अमर 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 कौन है? कौन है? मैं हूँ। कब तक सोते रहोगे देवर जी? 8 बज चुके हैं, उठना नहीं है क्या? 8 तो रोज बजते हैं भाभी। कितना हसीन ख्वाब देख रहा था, आपने जगाकर सब तोड़ दिया। ओफो, अभी उठो, आज तुम्हारा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? कौन सा इंटरव्यू भाभी? भाड़ में गया इंटरव्यू। इंटरव्यू? अरे अरे मर गया, अरे मर गया, मैं भी कैसा गधा हूँ भाभी। अच्छा हो गया आपने उठा दिया, नहीं तो मेरी किस्मत का सितारा जागने से पहले खराटे मार के सो जाता। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ये चादर से बांधना भाभी। क्या कर रहा है? सर कहाँ है? ये रहा। चादर ओढ़े कटे हुए ताड़ की तरह क्या पड़े हुए हो? कुछ हया शर्म है कि नहीं कि उसे भी बेचकर खाए आए हो? बच्चा बेचारा अकेला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम खर्राटे का बैंड बजाए औंधे पड़े हुए हो। अरे अपने आप को बाप कहते हो, बाप ऐसा होता है क्या? मैंने तो जितने बाप देखे सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा बाप क्या अलग डिजाइन का है क्या? खामोश, मेरे साथ जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे मन के ख्यालात की कुछ डकार थी वो निकल गई, तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो चलो जल्दी उठो, बबलू बेचारा नहीं तो भूखा स्कूल चला जाएगा। सुनो, अगर भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया होगा तो तुम खुद बना लेना। सुनो मेरे लिए भी नाश्ता लेते आना। अरे सुनो तो, पूछो तो सही क्या लाना है? एक डबल ऑमलेट, 8 टोस्ट बटर, एक बोनवीटा का ग्लास और गाजर का हलवा, समझ गए? अब क्या हुआ? नहीं मैं सोचा तुम फिर बोलोगे अरे सुना तो मैं एडवांस में खुद ही चला है। अब जाओ ना जाके कुछ काम भी करो, ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। इतने ढीले कपड़े में हाथ पैर हिलाऊंगा तो देखेगा किसको? ये तुम्हारी माँ के मरे हुए बाप के कपड़े हैं, कोई नए तो दिला दो सही। अरे लायक तो बनो इसके, सुबह सुबह दिमाग चाट लेता है मेरा। भाई साहब जरा एक मिनट इधर आएंगे। ये बोलती है मैं इसका दिमाग चाट रहा हूँ, इसका दिमाग शैतान नहीं चाट सकता, मैं क्या चाटूंगा? एक मरता शैतान ने इसका दिमाग चाटा था तो उसको उल्टी हो गई थी। ईमान से बस, मैं बाद में मिलूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूं और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है? बीवी के सामने तुम हिलाने वाले, कहां जा रहा है? बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है। लानत है, सारी जिंदगी यही करता रहेगा। अबे चुप रहना यार, कभी उसने सुन लिया तो मेरे घर से बाहर निकाल देगी और तेरी इस तस्वीर को ढक ऐसे बाहर फेंक देगी जैसे फटी हुई किताब होती है। उसके बाप का राज है, मैं भी तेरा बाप हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है, बाहर क्यों नहीं निकलता? चुप। क्या मुसीबत है यार, इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है, अभी आना नहीं दोबारा। अरे ओ सती सावित्री, देख नहीं रही है इनकी चिलम ठंडी हो रही है, बर्फ जम रही है इसमें, इसे सुखा कर कौन लेगा तेरा बाप? चल ले जा। मनहूस कहीं की, जब से इस घर में आई है मनहूसी छाई है। चलता हूँ भाभी। अमर क्या है भाभी, ये फटे हुए कॉलर वाली शर्ट पहनकर इंटरव्यू देने जाओगे? ऐसा हुलिया देकर कौन देगा तुम्हें नौकरी? अब क्या करूं भाभी, दो ही तो शर्ट है मेरे पास, एक ये और एक वो पीली वाली, और पीली वाली तो बहुत ही बुरी है, यूं समझ लो कि अगर वो खंडर है तो ये ताजमहल है। चला मेरे साथ। अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूं। एक मिनट आना। हाँ चलो। सुनो
सुनिए। हाँ जी बोलो। अमर भैया की शर्ट फटी हुई है, आज उसका इंटरव्यू है। अगर आप कहें तो सिर्फ आज के लिए आपकी कोई अच्छी सी शर्ट उसे दे दूं? क्यों, मैं कपड़े अपने लिए सिलवाता हूँ या उस नवाब साहब के लिए सिलवाता हूँ? और अगर उसे मेरी शर्ट की जरूरत है तो खुद आकर मुझसे क्यों नहीं मांग लेता? तुम क्यों उसके लिए वकालत कर रही हो? हाँ? नहीं, वो सुनिए, मैंने उसे कहा था कि मैं आपसे मांग कर लाती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा एक काम करो, मेरे कबर्ड में से वो स्ट्राइप शर्ट निकाल के उसे दे दो। जी। ये लो, महारानी अलमारी में लटकी है और उधर पिताजी का गला सूख गया, कांटे निकल आए। पिताजी कब से हुक्का हुक्का चिल्ला रहे और तुम जो हो चिलम हाथ में लिए कबर्ड में मुंह डाले खड़ी हो। नहीं, वो ये शर्ट अमर भैया को देना, आज उसका इंटरव्यू है। अमर भैया को शर्ट मैं दे दूंगी, तुम जाओ चिलम भरो जल्दी। घर का घर काम चोर हो गया है। लो पहनो शर्ट। अब दीदी तू यहाँ से जाना, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ तो जा रही हूँ, मैं यहाँ कौन से बैठ के तेरे सर में से जू निकालूंगी। बात करता है। ए भगवान, मैं लकड़ी की तरह सीधा और ये जलेबी की तरह टेढ़ी, कुछ समझ में नहीं आता। थु। क्या जालिमों का खानदान है, माँ चंगेज खान, बेटी हिटलर, बाप भोपट डाकू। बेशरम की तरह मेरा मुंह क्या देख रही है, तो ऐसे नहीं सुधरेगी। माँ, ये क्या है माँ, क्यों इतना जुर्म करती हो? पाठ रामायण का करती हो और सुबह सुबह महाभारत शुरू कर देती हो। अरे ज्यादा नहीं, थोड़ा तो खौफ करो भगवान का। अरे जा जा, तू अपना काम कर, बड़ा आया मुझे भगवान का खौफ सिखाने वाला, निकम्मा निखट कोई का। मेरा तो तजुर्बा कहता है दुर्गा कि जिस दिन इस लड़के की शादी होगी ये जोरू का गुलाम बन जाएगा। वो क्या है पिताजी, कि बेटे के रगों में बाप का खून दौड़ता है, तो जिस रास्ते पर बाप दौड़ेगा उसी रास्ते पर बेटा भी दौड़ेगा। मेरे मैं तू अपनी बकवास बंद करता है कि नहीं? लो कर दिया बंद, अपनी जबान को ताला लगा दिया। पिताजी मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, एक 5 रुपए मिलेगा क्या? 5 रुपए? हाँ। मैंने क्या नोटों के झाड़ लगा रखा है? अरे आपने झाड़ लगाया तो आपसे कौन मांगता, डायरेक्ट झाड़ी लाकर नोट नहीं गिरा लेता? दो ना पिताजी, देर हो रही है। मैं तुझे एक ढेला नहीं दूंगा। ठीक है, फिर मुझसे मत कहना कि मैं नौकरी ढूंढने नहीं गया। अमर को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं, ऐसे तो बच्चा घर में बैठे बैठे खराब हो जाएगा। मेरी हालत तो ऐसी है कि फकीर लोग मेरे मुकाबले में अमीर लगते हैं। 5, 10, 15, 20, 30, 50। मार देता हूं। ऐसे तो कंजूस माँ बाप होते हैं, 5 रुपए तो दे नहीं सकते और 1000 रुपए की नौकरी की तमन्ना रखते हैं, मुझे क्या बाहर में जाए नौकरी। अमर क्या है? ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? अरे जियो भाभी, मेरी भाभी जिंदाबाद। अरे पिताजी, सारी दुनिया आप जैसी कंजूस नहीं है, ये देखो मुझे मिल गए 5 रुपए, मैं चला इंटरव्यू देने। भाभी खैर महारानी, क्यों री? ये रुपए तेरे पास कहाँ से आए? जी वो मेरे पास ही थे। चोटी हरामखोर, रुपए चुरा चुरा कर अमर को देती है और कहती है कि मेरे पास थे। आप मैं समझी कि अमर तेरी इतनी तरफदारी क्यों करता है, क्योंकि तू चुरा चुरा कर रुपए उसे देती है। छोड़ कहीं क्यों जी चिल्ला के आप चीन को जापान से मिला रही है? भाभी ने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तो फिर वो है ना, अमर को देने को है ना पैसे, भाभी को मैंने दिए थे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लो एक और कोतवाला ना आ गई। क्या? नहीं नहीं, जल्दी बताओ कहाँ से आए इतने पैसे। अरे कहाँ से आए मतलब, क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मेरे पास पैसे नहीं आ सकते क्या? हा? इस घर में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। जल्दी से बताओ वरना जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। जिंदगी भर? हाँ। बताता हूँ, गला तो छोड़ो, देख रहे हैं। बताता हूँ। छोड़ दिया मैंने है ना ये पैसे
बड़ी मेहनत से है ना, अपनी बीवी के पल्लू से है ना चुराए थे। बीवी के पल्लू? रुको, कहाँ जाते हो? मेरे पल्लू तो मैं नहीं छोडूंगी, आज तुम्हारी खैर नहीं। क्या जा, क्या मुझे मारोगे? कहाँ भाग रहे हो? पैसे दो मेरे, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोडूंगी। एक बार हाथ में तो आ जाओ, ठहर जाओ, कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ माजी? बेटा, वो बदमाश मेरे पैसे छीनकर भाग गए। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मैं कुछ करता हूं। दादा, दादा। क्या है बे साले? हाँ? दादा दादा, आज हम बहुत बड़ा हाथ मारे लाए, ये देखो। वाह! पर एक लड़का हमारा पीछा कर रहा है। लौंडा? वो रहा। क्यों बे चिकने, क्या चाहिए बे तेरे को? भाई साहब, उस बेचारी बुढ़िया के पैसे वापस लौटा दो। ए, छोड़ दे इसे, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, समझा? साला आप उनका नाम खराब करेगा क्या? वैसे देख तो सही, बटेर से भी वजन कम है इसका। चुप है। हाँ तो तेरे को पैसा चाहिए? हाँ ये रहे पैसे, आजा बेटा, अगर तेरे में हिम्मत है तो ले जा। मुझे मालूम था तू मुझे पैसे ऐसे देगा नहीं। ये रही मेरी फाइल और मेरी घड़ी, जो जीतेगा वही पैसा लेगा। वाह बिड़वा, बात में तो दम है बाबा। वो तो है। ले लीजिए माजी। बेटे, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अरे नहीं माजी, ये कैसी दुआ दे रही हैं आप? अगर दुआ ही देना तो ऊपर वाले से इतना कह दीजिए कि ओ ऊपर वाले, इस नीचे वाले को एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दे, और कुछ नहीं। बेटे, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। अमर बेटे, अब सेवा बहुत हो चुकी,
किसी हिंदू होटल में चलते, मुंह हाथ धोते और एक कप चाय पीते, क्या ख्याल है? उफ़ो, कहाँ गया वो हीरो शिवलाल यादव? कुछ पता चला मुंशी जी? जी हाँ, वो एक लड़के के साथ भाग गया जिसकी वो प्रेमिका थी। नहीं, मेरा मतलब है वो लड़की उसकी प्रेमिका थी। सत्यानाश हो उसका, अब क्या होगा? शो होगा। मगर कैसे? लोग तो हॉल में आ चुके हैं और उनको अच्छी तरह मालूम है कि मुकाबला लड़का और लड़की के बीच में है, और लड़के को ना पाकर वो तो सीट कुर्सी सब तोड़ डालेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप जाइए और जाकर किसी एक्टर को पकड़ कर ले आइए। हाँ, मैं किसी न किसी को तो पकड़ ही लाऊंगा, लेकिन समझ गई। बहुत है जी। और जल्दी। हाँ जी। पता नहीं इतनी जल्दी में कहां से कोई। अनिल कपूर, अनिल कपूर जी, अनिल कपूर जी, अरे अनिल कपूर जी, अरे अनिल कपूर जी, आप हिंदुस्तान के इतने बड़े हीरो होकर इस फटीचर हालत में यहाँ क्या कर रहे हो मियाँ? ओ भाई साहब, आपने भंग पी रखी है, आप पागल हो गए हो? मैं कोई अनिल कपूर शपूर नहीं हूँ। लेकिन तुम तो बिल्कुल अनिल कपूर लगते हो मेरे पपैया। मेरा काम और भी आसान हो गया। तुम्हें नाचना गाना तो आता ही होगा ना? हाँ, क्यों? बात दरअसल ये है कि हमने आज यहाँ पर एक शो रखा है और हमारा हीरो अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया है। तुम जरा अंदर चलो और थोड़ा नाच गा लो ना। अबे ओ गंचक्कर, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ और तुम मुझे नचवाना चाह रहे हो? मियाँ किसी और को ढूंढो। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे ना। अबे आना। 1000 रुपया है, नाचेगा ना? अरे इस 1000 रुपए में मैं क्या, मेरा पूरा खानदान नाचेगा। तो चल अंदर। ओ भाई साहब, जरा मेरी बात सुनेंगे? मैं अनिल कपूर जैसा नहीं हूँ क्या? हाँ। अनिल कपूर मेरे जैसा है, क्या समझा? समझ गया मेरे बाप। अब अंदर चल। चला, मेरा काम हो गया। अब क्या होगा? साइड प्लीज जरा आओ 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 आओ, अरे जरा हटो, आओ मेरे पपैया। ले आया सीमा जी। मुंशी जी, जी ये आप किस जोकर को पकड़ लाए? जोकर? नहीं नहीं सीमा जी, क्या नहीं नहीं, शक्ल देखी है इसकी आपने, एकदम छछुंदर दिखता है। अरे ओ पालतू चिपकली, कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? आईना भी देखकर कांप जाता होगा। क्या तुमने मुझे चिपकली कहा, वो भी पालतू? यू यू आप यू यू करती रह जाएंगी और लोग पर्दे फाड़ कर अंदर आ जाएंगे और आपको ऐसा फाड़ देंगे कि आपके घर वाले भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें देख लूंगी। देख लीजिए, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से देख लीजिए, हिंदुस्तान में वन पीस हूँ, जो आदमी एक बार देख ले कभी भूल नहीं पाता। चलता मुची। अरे तू कहाँ जा रहा है मेरे पपैया, गुस्सा थूक दे अनिल कपूर। सीमा जी वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए, शो का टाइम हो गया। एक मिनट मुंशी जी। ठीक है, तो तुम्हें गाने का बड़ा शौक है। अच्छा तो तानसेन की छठी औलाद, इस मुकाबले में मैंने तुम्हारे छक्के नहीं छोड़े ना, तो मेरा भी नाम सीमा नहीं। अरे वो तो लोगों की तालियों की गूंज ही बताएगी कि कौन कितने पानी में है। सबको मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। दोस्तों ये है लाल परी, तो मैं भी हूँ गुलफाम। का है तुमको नशा, प्यार का हमको सुरूर, और इसी एक प्यार से दुनिया चले हुजूर। क्या समझे? देखो हर दिल लगा के देखो, आ जाएगा समझ में सरकार, एक बार किसी को अपना।
के देखो, आ जाएगा समझ में सरकार एक बार किसी को अपना बना के देखो, जाने मन दिल लगा के देखो, अरे अरे दिल लगा के देखो, हर दिल लगा के देखो। Thank you.
अरे भाभी तुम यहाँ समोसे तल रही हो और भैया ऊपर गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। जल्दी जाओ शारदा। अच्छा तुम जरा समोसे देखो मैं भी जाओ जाओ। जी अरे कहाँ मर गई थी। चलो जूते उतारो। अरे काम चोर कहाँ जा रही है। मुझे कौन तेरा बाप उतारेगा हैं? शारदा ओ शारदा की बच्ची कहाँ मर गई। जी माँ जी मेरी पूजा की थाली तैयार की। हाँ अभी लाती हूँ माँ जी। लो भैया गर्मा गर्म समोसे खाओ। अरे वाह 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 कैसे अच्छे है ना। बहुत अच्छे हैं। किसने बनाए और कौन बनाएगा। तुम्हारी बहन के अलावा इस घर में हाथ हिलाता ही कौन है। भाभी को हार सिंगार से फुर्सत मिले तब तो रसोई घर में झांकेंगी वो। अच्छा शारदा शारदा जी जी की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। कहीं की राजकुमारी है क्या। तेरे होते हुए मेरी दीदी को काम करना पड़ता है। शर्म नहीं आती है? लेकिन आप मेरी बात तो सुनो। ओफो भाभी अब जाने भी दो। क्यों भैया को खामखा गुस्सा दिला रही हो। अब तुम काम करो या मैं एक ही बात है। जाओ जाओ जल्दी जाओ और कुछ काम करो जाओ। वो अपने माँ के घर से जो सीख कर आई है वही तो यहाँ करेगी। अरे भैया अच्छी पत्नी तो आजकल अच्छे किस्मत वालों को ही मिलती है। मम्मी पापा ने फिर मारा। पापा अच्छे नहीं है ना मम्मी। तुम्हें भी मारते हैं मुझे भी मारते हैं पापा जी। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। आपके पापा को बुरा नहीं कहते। माँ पिताजी। अरे पिताजी क्या बे। पिताजी ये लीजिए मेरी जिंदगी की पहली कमाई। आखिर तुझे नौकरी मिल ही गई। चलो ये चिंता भी दूर हो। अरे नौकरी नहीं पिताजी। तो फिर दिल लगा के देखो। इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये पिताजी कि एक जगह नाचने गाने का मुकाबला चल रहा था। हाँ। तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया तो उन लोगों ने मुझे खुश होकर 1000 रुपए दे दिए। 1000 मगर ये तो सिर्फ 700 है बाकी 300 आ गए। वो हाँ याद आया वो जो मेरे नाचने वाले पार्टनर थे ना उनमें मैंने बांट दिए। क्या तू नाचने और गाने लग गया। तू इतना गिर गया है कि तुझे अपने खानदान का जरा भी ख्याल नहीं रहा। अगर तेरी हरकतें ऐसी रही ना तो एक दिन हमारे खानदान की नाक भी कट सकती है। हाँ। माँ नाक नाचने गाने से नहीं बल्कि जबान की कैंची से कटती है। और जिनकी नाक पहले से कटी हो उनकी नाक काटकर कौन बेवकूफ अपना नुकसान करेगा। नहीं नहीं मैं अरे साफ साफ बोल रहा मैं कुछ समझी नहीं। ये बहुत हाई लेवल की बात है माँ आपकी समझ में नहीं आएगी। अरे अमर इतना घबराए हो क्यों है। अरे पहली बार तुम्हारे देवर ने पैसे कमाए और अपनी भाभी के लिए साड़ी लाया है। कैसी है। बहुत अच्छी है। और मेरी चाचा मुझे भूल गए क्या। अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ मेरी लाडो। मैं तेरे लिए एक फ्रॉक लाया हूँ ये देख। थैंक यू चाचा। मामा और मेरे लिए। हाँ तेरे लिए मैं शर्ट लाया हूँ। थैंक यू मामा। ओ जीजा जी आपके लिए तो मैं लाना भूल ही गया। एक सेकंड एक सेकंड। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा 50 रुपए का नोट इतनी करीब से देखा है। मैं तो उसकी शक्ल भी भूल गया था। हा? मैंने सुबह तेरे को 5 रुपए चुरा के दिए तो उसके बदले 50 रुपए दिए। अगर 50 रुपए चुरा के देता तो 500। सच। हाँ ले, कल मेरे को 5 रुपए दे देना। ये ले। नहीं भाई वापस ला। ज्यादा लालच बुरी बात है। कभी नहीं दिया तो जा। अरे वाह कितनी अच्छी साड़ी लाया है अमर। लेकिन भाभी ये तुम पे नहीं जचेगी बहुत बुरी लगेगी। इसे मैं ले लेती हूँ।
ये क्या कर रही हो दीदी? ये साड़ी तो मैं भाभी के लिए लाया हूँ, तुम कैसे रख सकती हो? नहीं नहीं अमर भैया, अगर दीदी को ये साड़ी पसंद आ गई तो उन्हें लेने दो ना। लो दीदी रख लो। सुन लिया, अपनी मर्जी से दे रही है, मैं कोई छीन थोड़ी रही हूँ। हाँ दीदी। अरे अमर जाने दो, इस घर के लोग जो है ना वो लालच के गड़े हैं और ये गड़ा कभी भरने वाला नहीं है। हाय डैड। गॉड ब्लेस। कहाँ जा रही हो? आश्रम। और कहाँ? आश्रम आश्रम को मार गोली, पहले ये देख। देख 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 देख, ये किसकी तस्वीर है डैडी? बेटी इनमें से एक को पसंद करो और उससे शादी कर लो और अपना घर बसाओ। डैडी मैं मर्दों से सख्त नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही है बेटी, लड़की रात को एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ती है, ये संसार का नियम है। नहीं मतलब नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो इस फैसले को बदलने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप कोई भी रास्ता अपनाइए, लेकिन मुझे शादी करने पर आप मजबूर नहीं कर सकते। अरे भैया एक अठन्नी के चने देना। नहीं नहीं पुनी। ओ बाऊजी ये अठन्नी तो खोटी है। खोटी है? हाँ तत्तरे की, एक ही अठन्नी थी वो भी खोटी निकली, लगता है अपने नसीब में आपका चना नहीं है। नहीं बेटे ये तुम्हारे ही नसीब का है, ये लो पैसे, ये लो बेटा। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? माँ ये अनिल बेटे, ये वही नेक बच्चा है जिसने हम गरीब के पैसे लूटने से बचाया। उस रोज अगर ये न होता तो बेटे आज तुम नौकरी पर न होते। ये तो इंसान के रूप में देवता है। तब तो माँ इनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। कैसी बात कर रहे हो भैया, इंसान तो इस दुनिया में एक दूसरे की हमदर्दी के लिए पैदा हुआ है, वरना उसकी जिंदगी का मकसद ही क्या है? वैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं दोस्त, मुझे पहली तनख्वाह मिली वो लाकर मैंने माँ के हाथ में धर दी। इतने से बात पर मेरी पत्नी नाराज हो गई और हमारे इकलौते बच्चे को लेकर महिला आश्रम में चली गई। महिला आश्रम क्यों? कहती है जब तक माँ को अलग नहीं करोगे मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हम उसी को मनाने जा रहे हैं बेटे, वो जवान होकर आश्रम में क्यों रहे? आश्रम में रहने के दिन तो मेरे हैं, मैं ही चली जाऊंगी। कमाल है माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चलकर उन्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। नहीं भाई नहीं, बहुत जिद्दी है वो। सुना है वहाँ कोई सीमा नाम की महिला है जो आश्रम चलाती है। सीमा? वही औरतों के दिल में मर्दों के खिलाफ जहर भर कर उन्हें भड़काती रहती है। ओह तब तो मेरा चलना बहुत जरूरी होगा। चलिए माँ जी आओ। चलिए तुम यहाँ खुश तो हो ना? जी। कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? नहीं। गुड। हमें नीता से मिलना है। अभी बुलाती हूँ। नीता नीता। दादी माँ आ गई, पापा आ गए। विकी मेरे बच्चे, मेरे लाल। विकी चलो इधर। बहू मैंने अनिल को सब समझा दिया है, अब घर में झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा, वो सारी तनख्वाह लाकर तुम्हें दे देगा। बात यहाँ कमाई देने की नहीं है। फिर तुम हमसे अलग क्यों रह रही हो? क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना बस। मम्मी इधर से चलो ना, यहाँ पर आने का मन नहीं करता, दादी माँ और पापा के साथ रहेंगे। चलो ना मम्मी। खैरियत नीता बहन, इसे अपने दिल की गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। अनिल इनका बेटा जैसे कि विकी आपका बेटा है। अगर विकी बड़ा होकर अपने घर में एक बहू लाता है और बहू से कहे कि विकी मैं इस घर में एक ही शर्त पर रह सकती कि तुम अपनी मां को इस घर से बाहर निकाल दो, उस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? बहन भगवान का बनाया हुआ संसार एक ऐसा बाजार है जहां इंसान का किया हुआ हिसाब उसे यहीं चुकता करके जाना पड़ता है। क्या कल तुम अपने बेटे का दुख बर्दाश्त कर सकोगी? अपने आने वाली बहू के जुल्म सह सकोगी? अपने खून से जुदा होकर खुश रह सकोगी? बोलो जवाब दो। बस
भाई साहब बस मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आने वाले तूफान से मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। नीता, ये तुम क्या करने जा रही हो? इनकी जज्बाती बातों में आकर तुम अपना अधिकार, अपना अभिमान, अपना सम्मान सब कुछ गवा बैठोगी। हजार मर्तबा सोचकर ऐसा फैसला करना। मैंने फैसला कर लिया है सीमा जी, भाई साहब ने मेरा झूठा अभिमान तोड़ दिया, भूल मेरी थी, मैंने मां समान सास का अपमान किया है, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मां जी, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। रो मत बेटी, रो मत। चलो मां, चलो बेटी, घर जाओ। नमस्कार श्रीमती जी। सुनो, हाँ तुम। जी फरमाइए। तुम काम क्या करते हो और रहते कहाँ हो? जी मैं काम यही करता हूँ कि सुबह शाम काम की तलाश करता हूँ, और रही रहने की बात, मेरा आता पता ठिकाना इस कार्ड पर लिखा है। काफी काबिल लगते हो। तुम इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय यहाँ हमारे साथ महिला आश्रम में काम करना पसंद करोगे? जरूर करूंगा। नौकरी चाहे महिला आश्रम में हो, चाहे पुरुष आश्रम हो, चाहे पशु आश्रम में हो, मगर मेरी भी एक शर्त है। उस आश्रम में घर तोड़ने के बजाय घर जोड़ने का काम शुरू हो जाना चाहिए, जो आप करेंगे नहीं? जी? नमस्कार। क्या हुआ? डैडी की तबीयत तो ठीक है ना? इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन बात क्या है डॉक्टर अंकल? सेठ जी ने अंजल सब त्याग दिया है। हा? ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं। मगर क्यों डैडी? क्या बात है, क्या हुआ डैडी? मैं बताता हूँ बेटी, सेठ जी ने कसम खाई है जब तक तुम शादी नहीं करोगी और अपने पति के साथ आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लोगी, तब तक न वो अन्न खाएंगे, न पानी की एक बूंद अपने हलक से नीचे उतारेंगे। ये क्या जिद है डैडी? आप भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगे। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए, उठिए उठिए। तुम अपनी जिद पर अड़े रहो, मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा। अगर ये अपनी जिद पर इसी तरह अड़े रहे तो शायद कल का सूरज ने देखना भी नसीब नहीं होगा। अब इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है सीमा बेटी। हाँ बीबी जी, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और शादी कर लीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कहाँ से कर लूँ शादी? लड़के कोई पेड़ पे उगते हैं या बाजार में बिकते हैं जो अभी खरीद कर ले आऊं? तो फिर ठीक है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जब मैं मर जाऊंगा तो नौकर तुम्हें इत्तला कर देंगे, तुम अपने महिला आश्रम के उद्धार में लगे रहो, मुझे मरने दो। ठीक है डैडी, ठीक है, आप जीते मैं हारी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर लड़का मैं खुद ढूंढूंगी। चंदा जी, डैडी को खाना खिलाओ, अभी लाए बेबी जी। अरे वो मारा पापड़ वाले को। अरे मुनीम जी, आज क्यों रहा है? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना ला, नहीं तो चूहे तुम्हें खा जाएंगे। ला 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 जल्दी जल्दी। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, कैसी एक्टिंग की है? कमाल की एक्टिंग की है। दिलीप कुमार ऐसी कर सकता? बिल्कुल है, नहीं कर सकता, अगर करेगा तो भूखा मर जाएगा। इस वक्त तो मैं भूखा मर रहा हूँ। अमर बाबू यही रहते हैं क्या? जी हाँ। जरा बुलाओगे? जी अभी बुलाता हूँ। अरे आप, फरमाइए क्या सेवा करूँ आपकी? आपको नौकरी की तलाश है ना? हाँ,
जिस तरह भूखे को रोटी की तलाश रहती है उसी तरह आजकल के नौजवानों को नौकरी की तलाश रहती है। तो समझ लीजिए आपकी तलाश खत्म हो गई। मैंने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी नौकरी तलाश कर ली है। मतलब वही महिला आश्रम की घर तोड़ने वाली जी? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुनिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये दूसरी नौकरी है। अच्छी बात है, मैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आइए। आइए ना। सबसे पहली शर्त मिस्टर अमर कुमार, सीमा देवी के साथ आपकी शादी जाली है, यानी कि झूठी शादी होगी। असलियत में आप सीमा देवी की मुलाजमत करेंगे और इस मुलाजमत के इवज में आपको हर महीने 2000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। ठीक है? ठीक है। शर्त नंबर दो, दुनिया वालों के सामने, समाज में अमर कुमार को सीमा देवी से हस्बैंड जैसा व्यवहार करना होगा, लेकिन अकेले में अमर कुमार सीमा देवी के सिर्फ मुलाजम होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, यह बात तो मंजूर है, मगर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं वकील साहब, जवाब दीजिएगा। पूछिए। अगर सीमा देवी को बच्चा हो जाए तो उस पर किसका अधिकार होगा? बच्चे कैसे हो सकते हैं? जैसे होते हैं। शट अप। माफ कीजिएगा वकील साहब, ये 2000 रुपए की लालच देकर मुझसे नकली शादी करने के लिए कह रही हैं, और मैं इस बात से साफ इनकार करता हूं, क्योंकि ऐसी लड़की अगर मुझे अपनी सारी दौलत जायदाद सब मेरे कदमों में रखकर सचमुच भी अगर मुझसे शादी करना चाहे तो भी मैं साफ इनकार कर दूंगा। क्या तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत तो आपने अभी देखी नहीं है मैम साहब, आप लड़की जाते हैं इसलिए माफ कर देता हूं, अगर कोई दूसरा होता तो वो हाथ मारता कि नकली शादी तो एक तरफ, आप असली शादी के लायक भी नहीं रहती। डैडी। मिस्टर अमर कुमार, मेरा नाम करमचंद है, मैं सीमा का बाप। नमस्कार। नमस्ते। मुझे तुम्हारी साफ गोई और करख जवाब सुनकर बहुत मजा आया। साफ साफ बात करने की मेरी आदत है हुजूर, मगर तकलीफ तो यह है कि जमाना इस आदत की दाद तो देता है मगर नौकरी नहीं देता, बल्कि जज्बात को ठेस पहुंचाकर, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर, मुझे पैसे का लालच देकर मुझसे गलत काम करवाने की तमन्ना रखता है, और मैं ऐसी हजारों नौकरियों को ठोकर मारता हूं। अमर बेटे, कौन कहता है कि तुम्हारी आदत की कदर करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं? मैं हूं ना, आज से मैं तुम्हें अपने ऑफिस में मैनेजर की नौकरी देता हूं। जी। यस। डैडी, डैडी आप धोखा खाएंगे, आप इन्हें पहचानते नहीं। आदमी की पहचान मुझे तुमसे ज्यादा है बेटे, तुम्हें तो इतना भी मालूम नहीं है कि सोने और पीतल में फर्क क्या होता है। पीतल से बनते हैं बर्तन और सोने से जेवर, तुमने सोने को पीतल समझ लिया। आ बेटे। नमस्कार। एटल साइकिल फैक्ट्री एक लीडिंग फैक्ट्री है, जो साइकिल ही नहीं मोपेड भी बनाती है। क्वालिटी और फिनिश में इसका बड़ा नाम है। अब इस नाम को बरकरार रखना तुम्हारा काम है। अमर, आज से तुम इस एटल साइकिल फैक्ट्री के मैनेजर हो गए, मगर इसके साथ तुम्हें मेरा एक जाती काम भी करना होगा जो सिर्फ तुम कर सकते हो। फरमाइए। मेरे बस में होगा तो जरूर करूंगा। मेरी बेटी को शादी के नाम से चिढ़ है, वो शादी करना ही नहीं चाहती। अगर तुम उसे शादी करने पर आमादा कर लो तो ये तुम्हारा एहसान मैं 7 पुश्तों तक नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, एहसान तो आपने मुझ पर किया है। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं उसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा,
और सीमा जी की जो जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंपी है उसे मैं निभा कर ही रहूंगा। सच? यस सर। लेकिन इस वक्त वो जिद का फौलाद है और फौलाद को पिघला कर मोम बनाना इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। मगर ये काम मेरे जीते जी तो हो जाएगा ना? जी हाँ, भगवान ने चाहा तो आपके जीते जी आपकी बेटी सीमा की तो क्या उसके बच्चों की भी शादी हो जाएगी। जी ओ बेटे, तुम्हारी बातों से मेरी आस बनने लगी है, काश तुम मुझे पहले मिले होते। अच्छा सर, मैं चलूं? जाओ, जीते रहो। भगवान करे बेटा नौकरी में तेरी तरक्की हो और पगार में पूरे 500 रुपए की बढ़त हो। माँ, इस प्रमोशन के लिए ऑफिस में बहुत से क्लर्क्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड देखकर मुझे लग रहा है ये प्रमोशन मुझे ही मिलेगी। भगवान करे ऐसा। माँ, माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ, दिखाओ। कितने जोर से मेरे पांव को लगा। खराब खोर, बेईमान, जनक चली। जब तक कोई नुकसान ना हो, कोई जख्मी ना हो जाए, तब तक तू अपने काम में हाथ नहीं हिलाती। ये ग्लास तूने जानबूझ के रास्ते में रखा था ताकि मेरी ठोकर लगे, मैं लंगड़ी हो जाऊँ, मेरा पैर कट जाए और तेरे कलेजे को ठंडक पहुँचे। ओ मनोज, मेरा दिल बहुत अच्छा है, बहुत साफ दिल की हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जा अपना काला मुंह ले जा मेरी नजरों के सामने से। पापा, एक बात पूछो। बोल। एक दिन शारदा मम्मी की ठोकर से कप टूटा तो नानी ने उनको थप्पड़ मार दिया, और आज नानी की ठोकर से गिलास गिरा तो भी नानी ने शारदा मामी को थप्पड़ मार दिया, ऐसा क्यों? एक बहुत आसान सी मिसाल दूं? ये क्या है? छुरी। ये क्या है? सेब। अभी छुरी को सेब पे गिराओ या सेब को छुरी पे गिराओ, हर हालत में बेचारा सेब ही कटेगा। और जो तेरी नानी है ना, ये छुरी नहीं है, ये कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी को पैर पे मारो या पैर को कुल्हाड़ी पे मारो, हर हालत में पैर ही कटने वाला है। ये बच्चे को उल्टी सीधी क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, पट्टी नहीं पढ़ा रहा, इसकी आंखों पे जो पट्टियां लगी थी ना वो पट्टी खोल रहा था मैं। ऐसी बकवास फिर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, खैर बात है, तुमसे ज्यादा कोई बुरा हो भी कैसे सकता है? क्या मतलब? नहीं नहीं, ये मन की ख्यालात की कोई डकार थी वो निकल गई, तो वो कुछ भी नहीं बोला मैंने। अरे पहलवान, ऐसे कमर पे हाथ रखे यहाँ मत खड़े हो, डर लगता है कहीं घबराहट में सालन में नमक की जगह शक्कर डाल दूंगा तो तुम्हारी माँ की सड़ी हुई संडे सुबह सुबह खानी पड़ जाएगी। जाओ ना यहाँ से, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे मैं कहाँ खड़े फंस गया हूँ यार। नहीं वापस जाओ, खड़ी है क्या मुसीबत। लेकिन पिताजी, आप अमर से पूछ कर तो देखिए वो राजी होता है कि नहीं। वो कौन होता है राजी ना होने वाला? मैं जो कहती हूँ वही इस घर में होकर रहता है। अरे बाबा, हुज्जत करने से क्या फायदा, एक दफा उससे पूछ लेने में क्या बुराई है। अमर जरा नीचे तो आना बेटे। पिताजी जो कुछ भी कहना है फौरन कह डालिए, आज मेरे ड्यूटी का पहला दिन है और मैं पहले ही दिन ऑफिस में लेट जाकर अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहता। चलो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, यहाँ के एक बहुत बड़े रईस है सेठ द्वारका प्रसाद, उनकी इकलौती बेटी सोना के साथ मैं तेरी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? तेरी शादी के सिलसिले में। ओह हाँ अमर, अगर तू ये रिश्ता मंजूर कर ले तो सेठ द्वारका प्रसाद की जायदाद का अकेला मालिक बन बैठेगा और साथ में वो 10 लाख नकद देने को भी तैयार है। अच्छा 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 अच्छा, तो दूल्हों के बाजार में आप मुझे 10 लाख रुपए में नीलाम कर रहे हैं ना? कैसी बात करता है, किसी बड़े घर में शादी करने का मतलब अपने आप को नीलाम करना होता है क्या? बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि दहेज लेना पाप है, और दूसरी ये कि बड़े घर का दामाद बनना जैसे टोपी को सर से उतार के पैरों में पहनना, और अगर मैं बिक गया ना तो मेरी भी वही हालत होगी जो आप लोगों ने बजरंगी भैया की है। बेचारा आप लोगों के एक एक इशारे पर सारंगी की तरह बचता रहता है, और मुझे सारंगी बनने का कोई शौक नहीं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रीटा, प्लीज नोट दिस डाउन। डियर सर, वी मिस रीटा। यस सर। तुम इस ऑफिस में नौकरी करने आती हो या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में आती हो? जी। लड़की अगर ढंग के कपड़े पहने तो खूबसूरत लगती है, मगर जो कपड़े तुमने पहने वो बेहुदा हैं। इसलिए अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। मैंने तुमसे कहा ना कि अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ।
डाउट। यस सर। अरे रीटा कहाँ जा रही हो? नए मैनेजर ने तुमसे कुछ कहा? अरे बोलना, क्या कहा तुमसे? मुझे कहा है कि ऑफिस है, यहाँ शरीफ लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आना चाहिए, इसलिए घर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर आओ। आहा, महाशय कुछ ज्यादा ही उड़ते रहते हैं। फिक्र मत करो, अभी उन्हें नीचे लाती हूँ, चलो मेरे साथ। जी? अरे चलो ना। वो आओ, प्रीवियस अकाउंट्स भेज दीजिए। आई नीड देम। ओके सर। अरे वाह, ये बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें शरीफ घराने की लड़की लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ आपको? गुड मॉर्निंग मैडम। मैनेजर क्या बन गए, आसमान पर उड़ने लगे? औरतों से झड़प मोल लेने की आदत नहीं जाती आपकी। औरतों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या हमें आप मर्दों से सीखना पड़ेगा? रीटा को इन कपड़ों में देखकर आपने इसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया था, अब मैं इन्हें पहनकर आई हूँ, क्या आप मुझे भी दफ्तर से बाहर निकाल देंगे? जी नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है सीमा जी। रीटा मेरी मुलाजिम है, इसलिए मैंने उसे घर जाने को कहा। लेकिन आप तो मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ। मालिक कुछ भी पहनकर आए, नौकर कुछ नहीं कहेगा। अगर आप इस वक्त अपने कपड़े उतार भी दे तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मैं स्टूपिड। अरे आगे आगे चलने वाली पीछे मैडम चल रहा। अरे आगे आगे चलने वाली पीछे मैडम चल रहा। मुझसा भी दीवाना नहीं होगा कहीं बल्ला। अरे मुझसा भी दीवाना नहीं होगा कहीं बल्ला। अरे आगे 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 चलने वाली पीछे मैं तुम चल्ला। अरे आगे आगे चलने वाली पीछे मैं तुम चल्ला चल्ला। कमर हिलाती बिजली गिराती, मटक मटक चली डंक लगाती। कमर हिलाती बिजली गिराती, मटक मटक चले डंक लगाती। घायल करके दवा भी नहीं बतलाती, मैं क्या करूं अल्लाह। अरे आगे 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 चलने वाली पीछे मैं तुम चल्ला। अरे आगे आगे चलने वाली पीछे मैं तुम चल्ला चल्ला। Thank you.
अरे आगे 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 चलने वाली पीछे मैं तुम चलना मैं तुम चल्ला अरे आगे आगे चलने वाली पीछे मैं तुम चल्ला चल्ला हवलदार वो देखो शोला है तेरा मेरे जिगर में बात अभी तक घर की है घर में अरे शोला है तेरा मेरे जिगर में बात अभी तक घर की है घर में बदनामी से पहले ही मिल जा वरना मचा दूंगा हल्ला देखो गुरखा एक बदमाश मेरे पीछे पड़ा है उसे अंदर मत आने देना अरे आगे 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 चलने वाली पीछे मैं तुम चल्ला अरे आगे आगे चलने वाली पीछे मैं तुम चल्ला चल्ला पीछे मैं तुम चल्ला चल्ला पीछे मैं तुम चल्ला चल्ला रख दे और वो मेरी जान की दुश्मन है ना एकदम उबलता हुआ पानी बाल्टी में डालकर चली गई ताकि मैं भी इस खौलते हुए गर्म पानी में नहा लूं और छिली हुई मुर्गी की तरह मेरी भी खाल जलकर निकल जाए मां शारदा ओ शारदा की बच्ची क्या हुआ माजी माजी की बच्ची डायन तू मेरी बेटी को जलाकर मार डालना चाहती थी इस उबलते हुए पानी से इसे नहलाना चाहती थी ये जरा देखो तो तू इस पानी से नहा सकती है या नहीं कमीनी क्या करती हो क्यों इतना जुल्म करती हो मत करो इतना जुल्म वरना तुम्हारा जुल्म से एक दिन ही घर जलकर राख हो जाएगा तू चुप बैठ वरना बेलन से पिटाई कर हाँ कर दो एक दिन में किस्सा तो खत्म हो जाएगा उस दिन ये ठंडा पानी लेकर आई तो तुम ये कहने लगे कि मुझे जमा के कुल्फी बनाना चाहती है इसलिए पीट डाला आज ये गर्म पानी लेकर आई तो इसलिए पीट रही हो कि जलाकर राख बनाना चाहती है मतलब जुल्म करने के लिए बहाना चाहिए तुम लोगों को तो गर्म ठंडा मिलाकर नहीं ला सकती थी क्या अरे मैं ठंडा कितना मिलाना है गर्म कितना मिलाना पहले बता दो ठंडा बढ़ जाएगा तो मारोगी गर्म बढ़ जाएगा तो मारोगी तुम लोग तो उन गले पड़ू लोगों में से हो कि अगर तुम्हारे सामने से कोई आदमी गुजर जाए और सलाम कर दे तो कहे तेरी इतनी हिम्मत तूने हमको सलाम किया और अगर सलाम नहीं करे तो कहे तुम्हारी इतनी हिम्मत तूने सलाम नहीं किया चित भी तुम्हारा पट भी तुम्हारी देखो जी तुम चुप रहो नहीं तो तुम्हारा मुंह नोच डालूं नोच डालो कम से कम दुनिया को दिखाऊं तो सही कि घर जमाई बनने वाले का मुंह ऐसा होता है तुम जाते हो कि नहीं लाना थे इसी जिंदगी पर हाँ इसके भी पर निकल आओ काश पहले निकले होते ओ हाँ पिताजी मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ कब तक लौटोगे एक कुछ 6-7 दिनों में अच्छा जाओ ठहरिए जीजाजी माँ ये क्या मजाक है क्यों किसी सीधे साधे इंसान की शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है जो काम बावर्ची खाने में दीदी को करना चाहिए वो आप जीजाजी से करवा रहे हैं क्यों कंचन को ही क्यों करना चाहिए वो तेरी भाभी महारानी नहीं कर सकती क्या उससे लकवा मार गया है या लंगड़ी लली हो गई है भाभी का हाथ जल गया है इसलिए कमरे में आराम करिए उन्होंने काम के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है भाभी का हाथ जल गया भाभी 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 ओह माय गॉड ये तो सारे छाले पड़ गए और तुम्हें बुखार भी है भाभी ये हाथ जला कैसे
कुछ नहीं, वो मेरी गलती से जल गया। नहीं चाचा जी, मम्मी छुपा रही है। दादी माँ ने इनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गरम गरम पानी में डाल दिया, ऊपर से पापा ने बहुत मारा। पिंकी, पिंकी को क्यों डांट रहे हो? तुम सबने क्या इस घर को जुल्म और अत्याचार का अखाड़ा बनाने की कसम खा रखी है? कोई किसी के साथ इंसाफ ही नहीं करता? जो जितना दबता है उसे उतना ही दबाते चले जाते हैं। तुम अपना काम करो अमर। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मगर तुम जुल्म कर रहे हो भैया। ये भाभी का हाथ देख रहे हो? अंगूर की दाढ़ी की तरह छाले निकला है, शरीर बुखार से तप रहा है, और तुम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय यहां आराम से बैठे हो। अपनी पत्नी की तीमारदारी करना क्या आपका फर्ज नहीं है? अमर नहीं, अमर भैया भगवान के लिए शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? इतना सब कुछ हो गया और मैं शांत हो जाऊं? अमर बेटे जरा नीचे तो आ। आया पिताजी। चलो भाभी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। नहीं अमर भैया। अरे नहीं क्यों? ना। तुम डरती क्यों? अरे मैं हूं ना, चलो उठो। अरे तुम इन्हें क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा देवर हूं, और रिश्ते में देवर बेटे के समान होता है, और बेटा अपनी मां को कहीं भी ले जा सकता है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चलो उठो, चलो। क्या नालायक, इसीलिए मना करता था, इस लड़की से शादी मत कर मत कर मत कर, मगर तू नहीं माना। कहने लगा नहीं मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो 1.5 किलो जहर पीकर जान दे दूंगा। अब रोज 1.5 मन जिंदगी का जहर पी रहा है ना? पी बेटा, पी पी। तो क्या करता? तुम भी तो मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। मेरे साथ वाले सब 40-40 बच्चों के बाप बन गए, और तुम मेरी शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे, तो जल्दी मैंने गोबर खा लिया। अबे नालायक, जल्दबाजी तो ठीक है, मगर घर जमाई बनने के लिए किसने कहा था? मर्द बनकर बीवी को अपने घर ले आता? कहाँ ले आता, 8x8 का तो झोपड़ा था तुम्हारा, आदमी अंगड़ाई ले तो हाथ दूसरे के मुंह में चला जाए। ऐसे में ये बीवी को लेकर आता? ये मेरे को तकिए के रूई की तरह नोच नोच के खा गई होती अभी तक। झोपड़ा उड़ा दिया था, झोपड़ा क्या पूरा मोहल्ला उड़ा दिया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह सब तरफ लाशें बिछी होती है कि नहीं? किससे बात कर रहे हो? नहीं मैं किसी से भी नहीं, मैं किससे बात कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। रोज चुपके चुपके अपनी बाप की तस्वीर से मेरी बुराइयां करते रहते हो। नहीं मैं नहीं करता, मैं कहाँ। चलो चलो पाव दबाओ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, सर से लेके पैर तक और गले को कस के दूँ। क्या? नहीं नहीं, गला दबाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं सो जा। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो मैं गला कस के दबाऊं? मेरी क्या मुसीबत है? नहीं ये बीवी मुझे जीने नहीं देती है, ये मरा बाप मुझे सोने नहीं देता है, कहाँ फंस गया हूं मैं? क्या बात है बेटे, मुंह लटकाए उदास चला आ रहा है? क्या करूं पिताजी, लाख हाथ पर मारता हूं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब तकदीर ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है? आखिर हुआ क्या, कुछ बता तो सही। होना क्या है पिताजी, सुना है नायडू ने अपने प्रमोशन के लिए जनरल मैनेजर को 5,000 रुपए का ऑफर किया है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, तू बोली बढ़ा देना, 5 की जगह 10,000 कर दे। हाँ ये कर। हाँ 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 हाँ, ये आइडिया ठीक है। हाँ तो लाइए 10,000 रुपए माँ, और समझ ले मेरा प्रमोशन हो गया, कबर की चाबी कहाँ है? अरे नहीं नहीं, घर के पैसों को हाथ मत लगाना। फिर माँ ये 10,000 रुपए आएंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे? शारदा की माँ के पास बहुत माल जमा है, ये आज ही अपनी माँ के घर चली जाएगी और कल सुबह 10,000 लेकर लौट आएगी। माँ जी, मेरी माँ के पास क्या रखा है, उस गरीब के पास तो जो कुछ भी था सब आपको दे दिया। बकवास बंद कर, वो पैसे हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, उन पैसों से तेरे पति की तनख्वाह बढ़ेगी तो वो पैसे तेरे काम आएंगे। लेकिन माँ जी, मेरी माँ तो अपना पेट पालने के लिए खुद दूसरों के घर में काम करती है। ज्यादा नाटक मत दिखाओ, माँ ने जब कह दिया पैसे लगाओ मतलब पैसे लगाओ, समझी? लेकिन कहाँ से लाऊं,
माँ जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, वो 10,000 कहाँ से देगी? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे मार खाने की आदत पड़ गई है, दो चार हाथ जब तक नहीं पड़ेंगे ये नहीं जाएगी यहाँ से। सुन लिया तुमने? अब सीधी तरह जा अपनी माँ के घर पे और 10,000 रुपए ले आ। अगर ये पैसे नहीं लेकर आई तो इस घर में कदम मत रखना। भगवान से डरिए, मुझ पे रहम कीजिए। अरे जा यहाँ से और पैसे ले आ, जा। सुनिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। एक बात बोलूं, बड़ा बदनसीब होता है वो घर जिसके रहने वाले लालची होते हैं। कैंसर का इलाज है इस दुनिया में, लालच का नहीं है। यार जब बात करने का मन नहीं हो रहा है, जब माँ कौन? अरे शारदा बेटी, माँ बेटी, बेटी कैसी हो? माँ अच्छी हूँ, अच्छी हूँ बेटी। अचानक सब ठीक तो है ना? तुमसे मिलने को जी चाहा इसलिए चली आई, कल सुबह तक वापस चली जाऊंगी। बेटी तू लाख छुपा, मगर मैं तेरी खामोशी में छुपे हुए दर्द की जुबान समझ सकती हूँ। उन लोगों ने फिर से तुझसे पैसे मांगे ना, इसी कारण तू यहाँ आ गई। नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो, मैं पैसे लेने नहीं आई, मैं तो ऐसे ही। माँ बहुत जोरों की भूख लगी, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना बनाती। खाना मैं बना चुकी हूँ, मैं परोसती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू बैठ, मैं परोस के लाऊंगी, तू यहाँ बैठ। आज माँ बेटी बहुत दिनों के बाद एक साथ बैठ के खाएंगे। अरे देव की बहन, घर में हो या नहीं? आइए महाजन जी। अरे वाह, शारदा बेटी भी आई हुई है। कहो बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ काका। चलो भगवान सुखी रखे। देखो बहन, ये लो 20 रुपए। पैसे मुझे क्या करने हैं? अब अपनी बेटी से क्यों छुपा रही हो? शारदा बेटी, तेरी माँ दो वक्त की रोटी के लिए पड़ोसी के कपड़े धोकर बर्तन मानकर गुजारा करती, और अब तो बीमारी ने इसकी मेहनत और मजदूरी की शक्ति भी छीन ली है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। मुझसे उधार ले ले करके पेट पालती है, आखिर मैं भी महाजन का बेटा हूँ, कब तक उधार दूंगा? ये सोचता हूँ कि अगर मैं उधार नहीं दूंगा तो इसका क्या होगा, यही सोच करके मेरे पत्थर जैसे आंखों में आंसू आ जाते हैं। शारदा बेटी, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज करवाना, कहीं दम निकल गया तो कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा दम मेरी बेटी की बाहों में निकले। तू रो मत, वो तो बूढ़ा हो गया है ना, सठिया गया है। बेटी मुझे तो मेरे 2 लाख चाहिए महान। ले लेना। मामा वो आ गई। ठहरो महारानी। पैसे लाई? बेगैरत पत्थर दिल हराम खोर, मैंने तुझे कहा था कि 10,000 लाएगी तो इस घर में कदम रखना, और तू खाली हाथ चली आई। मेरी माँ मुझे 10,000 कहाँ से लाके देगी, उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो समझ ले तेरी तकदीर भी फूट गई, आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है, निकल यहाँ से। माँ जी मुझे यहाँ से मत निकालिए। निकलती है या नहीं? हाँ ऐसे नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। तो ये बातों से नहीं मानते, नहीं मानने वाली, ऐसे नहीं मानने। क्यों मार रही हो मम्मी को?
ये बेचारी 3000 रुपए कहाँ से लाएंगी? बदतमीज, बड़ों के साथ जबान लगाता है। अरे ये कहाँ की बड़ी है जो सिर्फ छोटों को दबाती रहती है और इनको मारती रहती है। खामोश, चल अंदर चल। बाप के जैसे ये भी पटर पटर करने लग गया। मुझे गुस्सा मत पीला, निकल यहाँ से। मत कीजिए। सुन ले ये बच्ची, तू ऐसे नहीं मारेगी, नहीं मारेगी ऐसे, घर से नहीं निकलेगी, चुड़ैल नहीं। चल यहाँ से। जन्म चली, चिपक की तरह चिपक गई है मेरे घर को, एक दिन खाकर ही रहेगी। निकल यहाँ से। दुर्गा बहन, निकल। दुर्गा बहन, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बच्ची को इस तरह मार रही हो? मारू नहीं तो क्या इसकी पूजा करूँ? ये तो दहेज में सिर्फ 30,000 रुपए लाई थी, जबकि हमें 2-2 लाख रुपए मिल रहे थे, फिर भी हमने ठुका दिए, ये समझकर कि जरूरत पड़ने पर तू हमारी मदद करेगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग पैदाइशी भिखारी हो। बहन, भिखारी और अमीर तो इंसान को वक्त बना देता है, लेकिन आप मेरी बेटी को जानवरों की तरह क्यों मार रही है? बड़ी आई बेटी की वकालत करने वाली, अगर बेटी का इतना ही दर्द है तो निकाल 10,000 रुपए। 10,000? मैं गरीब, इतने रुपए कहाँ से लाऊं? मैं गरीब गरीब कुछ नहीं जानती। अगर तू चाहती है कि तेरी ये बेटी इस घर में रहे तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले 10,000 ले आ, वरना अपनी बेटी को अपने साथ ले जा। तलाक का नोटिस वकील के जरिए पहुंच जाएगा तेरे घर में, समझी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो यही रहेगी, यही रहेगी, उसे कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। चल चुप, मनहूस कहीं की मैं। देव की बहन, मकान बेचकर तो तुम बिल्कुल बेसारा हो जाओगे, और फिर तुम दिल की मरीज भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हें। जो होगा होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नमस्ते। बीबी जी, आपकी सीढ़ी पर कौना औरत सोई है? औरत? हाँ, ये देखो। अरे माँ, ये क्या? माँ, यहाँ बाहर सीढ़ी पे क्यों सोई हो? माँ, 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 तेरी माँ कौन सी नहीं मरी है? हर रोज हजारों लोग मरते हैं। तेरी माँ को मरना ही था तो कहीं और जाके मरती, इस दहलीज को शमशान समझकर क्यों मर गई? छी 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 छी, हमारी सीढ़ियाँ गंदी करती। माँ, इस बुढ़िया का क्या करें? माँ, माँ, क्या हुआ नानी को? तुम्हारी नानी हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई बेटा। माँ, ये लो आ गए। ये लो 50 रुपए, और इस लाश को ले जाकर किसी नदी नाले में फेंक दो। ये लो रुपए, उठा जल्दी लाश को, चलो। नहीं, नहीं, मैं अपनी माँ की लाश नहीं दूंगी, मुझ पे भगवान के लिए दया कीजिए, मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाऊंगी। अरे जा जा, आई बड़ी माँ का अंतिम संस्कार करवाने वाली, चल उठ यहाँ से। देवाजी भगवान के लिए मुझ पे तरस खाइए। विजय, अरे उठ, क्या नाटक कर रही? अब तुम्हारी माँ में रखाई क्या? और कौन सा हम इसे जिंदा भिगवा रहे? चल उठ जा, लाश को।
एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तू चली गई तो दोबारा इस घर की चौखट पर कदम मत रखना। आज से हम तेरे लिए और तू हमारे लिए मर गई, समझी? ठीक है, चल चल। मुसीबत है यार, तुमको चैन नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई, ये तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है, ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया? तू बीवी की गुलामी बंद कर, मर्द बन बुजदिल। बड़ाई तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। दो दो घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। हमश को जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे पे भी गुजरे, तो फिर और क्या होगा? तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे? वहां तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे, शर्म करो। तो क्या हुआ, एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़कर कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूंछ, मरने के बाद ही मूंछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ, बेबी की गुलामी बंद कर, उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा, समझ गया? अरे जा जा बाबा, एक मरता मैंने किसी और के कहने में आकर मर्द बनने की कोशिश की थी, और इसे मैंने इतने झाड़ू खाए कि मेरी शक्ल झाड़ू जैसी हो गई थी। ए मेरे बाप, अभी जा, मैं दिन भर का थका हूं, फिर सुने दे, चल। तू पहले हां कर। बाबू तू नीचे उतर। नहीं, तू पहले हां कर। बाबू तू पहले नीचे उतर। तू पहले हां कर। तू पहले नीचे उतर। कौन है? भाग, अरे भागना। अरे चला, किराने की साइज का बाबू। किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। मैं मेरे बाप से बात कर रहा था। तुम्हारे बाप से? क्या हुआ? फ्रेम में तुम्हारा बाप नहीं है? वो खाना खाना गया होगा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता, उधर ही होगा। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो होएगा बाबा। ओ माँ, ये फिर से कैसे आ गया? वो आता जाता रहता, उसको बीमारी है, तुमको क्या करना, तुम सो जाओ, जो सो जाओ। बाप बेटे दोनों पागल है। हाँ, वो ये घर का असर है। क्या? नहीं नहीं, मैं नींद आ रही है। क्या मुसीबत है, अंदर पड़ा रहना। अमर बेटे, कितने दिन हो गए?
तू दिन रात अपनी भाभी और भतीजी की तलाश में भटक रहा है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे ख्याल से अब तू इस किस्से को भूल जा और अपने काम धंधे पर लग जा बेटे, फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दे। हाँ अमर, माँ जी ठीक कह रही हैं। जैसे मैं उन्हें भूल गया हूँ, तुम भी उन्हें भूल जाओ, क्योंकि ना तो वो लोग आने वाले हैं और ना मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, उन दोनों का पता चल गया। क्या? हाँ, वो दोनों मुझे मिल गए हैं। मिल गए? कहाँ? म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में। उन दोनों का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में दोनों माँ बेटी मर गए। 7 दिनों तक उनकी लाशें किसी मुर्दा घर में लावारिसों की तरह पड़ी रहीं। जब उनका कोई वारिस नहीं मिला तो हॉस्पिटल वालों ने वो लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दिए ताकि वो चीर फाड़ करें, उनके टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों से ऑपरेशन के नए तरीके सीख सके। ये रही मेरी भाभी की साड़ी, ये मंगलसूत्र और उनकी कान की बालियां, और ये मेरी पिंकी का फ्रॉक जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी मर गई, पिंकी भी मर गई, छोटे मामा, बड़े मामा ने उस दिन मामी का बहुत मारा था और नानी ने भी उन्हें बहुत मारा था। मामा, मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ, इनके चेहरे बता रहे हैं कि इन सबों ने मिलकर तुम्हारी मामी और पिंकी को मार डाला। ये लोग उन मजलूमों और बेगुनाहों के कातिल हैं। अमर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पिताजी, ये घर नहीं कातिलों की बस्ती है। क्या सुबह शाम कत्ल होते हैं, कभी जज्बात का कत्ल तो कभी इज्जत का कत्ल तो कभी इंसान के हक का खून होता है। बहुओं को फूलों की डोली में बिठाकर लाया जाता है और उसी दिन से उसकी अर्थी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। उसे जुल्म की आग में जला जलाकर उसे चिता की आग तक पहुंचाया जाता है। यहां सब जल्लाद है, सब फूली है, सब कातिल रहते हैं। अमर, तू अपनी बकवास बंद करता है या नहीं? ये बकवास नहीं, ये सच है मां। ये झूठ मूठ गीता और रामायण का पाठ पढ़ने का ढोंग बंद करो। ये सब दिखावा है, वक्त गुजारने के तरीके हैं। अगर पढ़ना ही है तो उन किताबों में क्या लिखा है उसे समझो, उन पर अमल करके देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि धर्म तुमसे क्या कहता और तुम आज तक क्या करती रही हो। उन किताबों में लिखा है कि जिस घर में नारी जाति को मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, उस घर में देवता बसते हैं, और जिस घर में नारी जाति का अपमान होता है उस घर में राक्षस रहते हैं। यह राक्षसों का घर है और मैं इस राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता। मैं आज इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। हाँ ठीक है, मगर जाते जाते अच्छी खबर तो सुना गया कि शारदा और पिंकी दोनों इस दुनिया से चली गई और हमारा विजय फिर से कुंवारा हो गया। एक बात कहूं, आप फौरन जाकर सेठ द्वारका प्रसाद से मिल लो और किसी भी तरह बात पक्की करके 10 लाख ले आओ। बेचारी शारदा भाभी, मेरे पास तो अल्फाज भी खत्म हो गए, पर क्या भाभी थी हमारी, जीती जी सबका भला करती रही मगर मर के भी लालची कुत्तों का भला कर गई। राम प्रसाद जी, आपका लड़का देखने में तो अच्छा है। कहीं नौकरी करता है? जी, जय हिंद ट्रेडर्स में मैनेजर है। हाँ ठीक है, उसे कहिए ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ले। छुट्टी? जी। वो क्यों? वो इसलिए कि उसे मेरी बेटी सोना के साथ 1 महीना रहना होगा यहीं इसी बंगले में, ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके और वो मेरी बेटी सोना को पसंद आ जाए। वैसे उसे यहाँ रहने के लिए अलग कमरा दे दिया जाएगा। जी ठीक है, मैं उसे जाऊंगा। हाँ कम ऑन, ओ गेट लॉस्ट। हाय डैडी।
हाय बेटे। हाय अंकल। हाय बच्चों लोग। बेटे कहाँ जा रही हो तुम? हाँ डैडी, मैं इन लोगों के साथ डिस्को जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटे जाओ। थैंक यू डैडी। बाय बाय। चलो राम प्रसाद जी। जी। यही मेरी बेटी सोना है। बड़ी सुशील है। कैसी लगी हमारी बेटी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जिस घर में जाएगी रोशनी रोशनी कर देगी। राम प्रसाद जी वेल सेड वेल सेड। मैनेजर साहब, आपके ऑफिस का टाइम कितने बजे खत्म होता है? ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, मैं जाने वाला था कि आप आ गई। फरमाइए। मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ, आप चलेंगे ना? क्यों, क्या हुआ? आप औरतों के लिए शादी बहुत जरूरी समझते हैं ना? हाँ क्यों? तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि शादी के बाद औरत की क्या हालत होती है। आइए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। वो देखिए, ये उस मासूम बच्ची की माँ है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने कभी अपने पति को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी हर एक बात को, चाहे वो सही हो या गलत हो, अच्छी हो या बुरी, भगवान का हुक्म समझकर ये मानती रही। इसके ससुराल वालों ने इस पर बेतहाशा जुल्म ढाए। इसने कभी शिकायत के लिए अपनी जबान तक नहीं हिलाई, और इसके बावजूद उन जालिमों ने इस मजलूम औरत को अपनी मासूम बच्ची के साथ धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों, क्यों निकाल दिया? इसलिए कि ये उनकी लालच की भूख को नहीं मिटा सकी। क्या क्या? पिंकी। क्या क्या? मम्मी, चाचा जी आए हैं। चाचा, तुम आ गए चाचा। बेटे, बेटे तुम कहाँ थी बेटे? चाचा, अब आपको मैं छोड़कर कहीं मत जाना। भैया शारदा आपकी भाभी है? हाँ सीमा जी, ये मेरी भाभी है, बल्कि भाभी माँ है, मेरी सब कुछ। हम इन्हें और पिकी को बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा जी, आपने मुझे मेरी पिंकी और मेरी भाभी से मिलवा दिया। मगर भाभी, अब घर छोड़कर यहां क्यों चली आई? बताओ ना भाभी। अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद हम मां बेटी 3 दिन तक भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही, और थकी हारी एक खंडर में जा पहुंची। ले बेटे, पानी पी ले। नहीं माँ, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, लगता है भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है। तू हिम्मत मत हार, हाँ तू हिम्मत मत हार। ले अभी तू पानी पी ले, पी ले, पी ले बेटा, पी ले। इतने में वहां एक पागल औरत ने आके मेरा गला दबाया। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन शायद उसे मेरे कपड़ों की जरूरत थी। माँ, माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? मम्मी बेहोश पड़ी थी और मैं मदद लेने के लिए वहां से भागी।
और मैंने क्या देखा? मैंने लोगों से रो रो कर मदद मांगी, अंकल मेरी मदद करो, मेरी माँ बोलती नहीं, भगवान के लिए मेरी मदद करो अंकल, प्लीज अंकल प्लीज। ओ माय गॉड, बेटे बेटे कहीं लगे तो नहीं ना? नहीं आंटी, मेरी मदद करो, मेरी मम्मी बोलती नहीं। तुम्हारी मम्मी बोलती नहीं? हाँ। क्या मतलब? मेरी मम्मी बोलते बोलते खामोश हो गई। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? वहाँ, जल्दी चलिए आंटी। ड्राइवर मैं अभी आई। जी। देखो मेरी माँ बोलती नहीं। हाँ घबराओ मत, मैं अभी देखती हूँ। ये तो बेहोश है, बेटे जरा पानी मिलेगा? जी आंटी। शारदा, 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 आंखें खोलो। लो आंटी पानी। शारदा, शारदा आंखें खोलो, आंखें खोलो शारदा। शारदा मैं सीमा तुम्हारी सहेली। अरे ऐसे क्या देख रही हो, पहचाना नहीं मुझे? हम बचपन की सहेलियां हैं, याद आया? याद आया? हाँ शारदा। सीमा? हाँ सीमा, सीमा। समझ गया, उस घर में इंसानी पैसों के लालची रहते हैं, दुनिया को, औलाद को, भवों को, हर रिश्तों को दौलत का चश्मा लगाकर देखते हैं। जिसकी मुट्ठी में जितना ज्यादा पैसा होता है उसकी उतनी ज्यादा जय जयकार होती है। मगर अब ऐसा नहीं होगा भाभी, मैं उनकी आंखों से वो चश्मा उतारूंगा और उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि वो भूल कर भी किसी मजलूम बेगुनाह पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और अगर ना सिखाए भाभी तो मैं तुम्हारा देवर नहीं। फाइन। टेडी आपका क्या ख्याल है? भाई जो हमारी बेटी का ख्याल है वही हमारा है। यू लाइक टू पप्पू? वाओ डैडी, हमारे पप्पू को भी ये पसंद आ गए। गुड, वेरी गुड। वैसे आपका नाम क्या है? विजय। वाओ, बी फॉर विजय, बी फॉर विक्ट्री। आप शायद हमें जीत लेंगे मिस्टर विजय, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। चले? हाँ चलिए चलिए। थैंक यू, थैंक यू। भाई मुबारक हो राम प्रसाद जी। मुबारक हो। क्या सोचा है अमर बेटे? मैंने सोचा है बाबूजी कि उन लालच के पुजारियों और जालिमों से बदला लेना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि दर्द किसे कहते हैं और जुल्म सहने वाले पर क्या बीतती है। मैं उन्हें उनकी इस जबान से उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं। नहीं अमर बेटे, ऐसा करने से ना तो तुम्हें कुछ हासिल होगा और ना शारदा बिटिया को उसका अधिकार मिलेगा। सबर से काम लो। वैसे मैंने एक बात सोची है, तुम फौरन शादी कर लो। शादी? ये कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। तुम ऐसी लड़की से शादी करो जो जुबान की तेज हो और दिमाग की चालाक हो, जो चले तुम्हारे इशारों पर और उनके जुल्म का बेड़ा गर्क करके उनको सीधे रास्ते पर ले आए। एक मिनट बाबूजी, ये काम तो बगैर शादी के भी हो सकता है। वो कैसे? सीमा जी याद है आपको, आप मुझे एक बार अपने वकील के ऑफिस ले जाकर मुझसे एक शादी का नाटक करवाना चाहती थी। हाँ याद है। तो क्या वही नाटक आप मेरे साथ कुछ दिनों के लिए कर सकती हैं? शारदा को उसका हक दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर मालूम नहीं डैडी इस बात की इजाजत देंगे या नहीं। अरे वाह 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 वाह, इजाजत की खूब कही। अरे पगली, मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। जाओ, ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। आ भैया कितने पैसे हुए? 12 रुपए साहब। 12 रुपए रख लो, चलें। सुनिए ये टोकरी। ओ
तो अब आप मुझे पहनाएंगी? ये पकड़िए। चलो सुनिए ये टोकरी। ओ अब चले। माँ अमर ये सब क्या है और इसका क्या मतलब? मतलब गाय माता की दूध की तरह बिल्कुल साफ है। मैं इस घर का बहू हूं, मैं इस घर का बेटा हूं, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका धर्मपत्नी हूं, ये मेरा पति है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका पति हूं। नालायक, तूने वही किया जिसका मुझे डर था। मेरी उम्मीदों के सपने तोड़ के रख दिए, हमारा नुकसान कर दिया। निकल जा यहां से, यहां तेरा कोई काम नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। डार्लिंग प्राणनाथ। हाँ डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़ा कौन है? बुढ़ा ये मेरे पिताजी हैं। ओह सो ओल्ड। चल चुप रे ओल्ड वाली। अरे अमर तूने तो कहा था कि तू इन राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता, फिर यहाँ क्या लेने आया है? एक बहुत कीमती चीज लेने आया हूँ। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। कौड़ियों का शौक तो मुझे बचपन से नहीं रहा, मैं तो आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। डार्लिंग प्राणनाथ। यस नाथ के प्राण। ये बुढ़िया कौन है? बुढ़िया ये तो मेरी माँ है। माँ। ओह माय गॉड, इनकी जबान तो छुरी की धार से भी ज्यादा तेज है। रसोई घर में सब्जी तरकारी क्या इनकी जबान से काटी जाती है क्या? सीमा जी। हाँ प्राणनाथ। आशीर्वाद के बारे में क्या ख्याल है? पैर तो खराब है मगर ले ही लेते हैं। क्या इस घर में आने वाली नई बहू को आशीर्वाद नहीं दिया जाता? आशीर्वाद नहीं ये दिया जाता। ऐसे मौके पर हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाए जाते हैं माँ, मारने के लिए नहीं। मैं जूडो कराटे की एक्सपर्ट हूँ, एक हाथ मारकर ईंट भी तोड़ सकती हूँ। ये तो फिर भी ककड़ी जैसे हाथ हैं। आशीर्वाद देंगी या हाथ की ककड़ी खाएंगी? मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आशीर्वाद दीजिए। ए अमर तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? इस डायल से मेरा हाथ छुड़ाना। I'm sorry मम्मी, मैं मजबूर हूँ। जिस तरह तुम्हारे सामने पिताजी अपनी दुम हिलाते हैं ना, उसी तरह तुम्हारी बहू के सामने मैं पूरा हिल जाता हूँ। ये बहुत जिद्दी लड़की है माँ, इसके मुंह से जो बात निकल जाए वो पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट सकता है मगर लकीर नहीं घिस सकती, इसलिए जब तक तुम अपना हाथ उठाकर इसे आशीर्वाद नहीं दोगी ये तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। मर गई। हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा। मम्मी आशीर्वाद दे दो। मुंह से बोलिए चुप चुप जियो। और सुहाग का आशीर्वाद? सुधो सुहाग अंदर हो। अब पिताजी का आशीर्वाद। चुप चुप जियो और सदा सुहाग अंदर हो। आओ तुम्हें इस घर के रंगमंच के दूसरे कलाकारों से मिलाऊं। ये मेरी बहन कंचन। जुग जुग जियो सदा स्वागत रहो। आपकी बहन क्या कुंवारी है? जी नहीं ये बीमारी है। नहीं नहीं मेरा मतलब हमारी है, एक बच्चे की माँ है। और जिस बच्चे की ये माँ है वो बच्चा मैं हूँ, और आपके प्राणनाथ मेरे मामा है, और इस रिश्ते से आप मेरी मामी लगी। कैसी लगी तुम्हारी मामी? एक मिनट। बहुत मीठी है। अच्छा सीमा अब तुम थक गई होगी, चले ऊपर। पापा आज तो कमाल हो गया। क्या सेहत तो वैसे का वैसा रह गया, छुरी टूट गई। लगता है कहानी में नया रंग आने वाला है।
अच्छा है ना, बजरंगी का जो रंग निकल गया था वो रंग वापिस आ जाएगा। मैं चलता हूँ, मैं जब तक बोलूँ जाना नहीं है। क्या है? कुछ नहीं, मैंने सोचा कुछ देर गाना गाकर आपका दिल बहलाऊं। गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप सोएंगे कहाँ? बाथरूम में। क्या जी, और कोई जगह भी तो नहीं? तो फिर जाइए, रात काफी हो चुकी है। जी जी जी। आप जरा उठेंगी? क्यों? अरे भाई उठेंगी तो बताऊंगा ना। ये क्या चीज है? बाप को चीज बोलता है, शर्म नहीं आती है? तुम क्या मुसीबत है यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। तो यहाँ काहे के लिए चले आए? हर रात बिस्तर पर जहाँ मुझे हैरान करने चले आते हो वहीं चले आना था ना। वहाँ तो बड़े भयानक खर्राटे ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अरे मगर तुमको फ्रिज में सर्दी नहीं लगती है क्या? गधे, ससुराल के बावर्ची, मरने वाला फ्रिज पे बैठा हो या चूल्हे पे लेटा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है, क्या है? मुझे ऊपर तेरी माँ मिली थी। मेरी माँ मिली थी? क्या बोली मेरी माँ? क्या बोली मेरी माँ? उछल मत, पहले पूरी कहानी सुन ले। क्या है? उसको जब पता चला कि तेरी ये हालत है तो वो बहुत रोने लगी। कहने लगी मैं अपने बच्चे की हालत सुधारने की भगवान से प्रार्थना करूंगी, उसकी हालत जरूर सुधर जाएगी। अरे वाह, मेरी माँ मरने के बाद भी मेरे लिए चिंता करती है। मेरी माँ को मेरे नमस्कार बोलना। मैं कोई नमस्कार नमस्कार नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं उससे बात नहीं करता, वो बात बात पे मुझे डांटती है, इसलिए मैं भाग के नीचे आ जाता हूँ। मैं तो ये बाप है, अगर बाप ऐसे डिजाइन का को तो बेटा कैसे होगा? खामोश। अजय सुनते हो? क्या हुआ? तुम्हारी बहू आ गई। तो डरता क्यों है? अरे मगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे कैसे? बिजली के वायर में घुस कर, बल्ब में से निकल कर तस्वीर के फ्रेम में घुस जाऊंगा। क्या फेंकते हो यार? कहाँ हो तुम? मैं यहाँ फ्रिज में हूँ, नहीं बावर्ची खाने में हूँ। गजब हो गया। वो तो रोज होता है, क्या हुआ? अरे तुम्हारा बाप फिर तस्वीर में नहीं है? वो फ्रिज में। क्या? नहीं मेरा मतलब वैसा होता है ना जैसे बम्बई में, नहीं बिजली आती जाती रहती है तो मेरा बाप भी फोटो में से आता जाता रहता है। अरे पर मैं कह रही हूँ वो नहीं है। अरे है यार। और नहीं हुआ तो? कभी हुआ तो? तो चलो, तो चलो तुम पीछे चलो, मैं आगे आता हूँ। नहीं नहीं मेरा मतलब आगे चलता हूँ, तुम पीछे अपने मेरे मालूम नहीं। तुम भी अनशन बकते हो। क्या है?
टुन बज गए प्यार की घंटे टुन 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 बज गए प्यार की घंटी अभी तक सोए नहीं? क्या हो गया तुम्हें विजय के बापू? घर की लगाम हाथ से छूटती चली जा रही है और तुम यहाँ बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो। अरे वाह रे वाह, ये लो पकड़ो डंडा और दो चार जमा कर निकाल बाहर करो उस कमीनी को। भाई तुम तो इस काम में चैंपियन हो, तुम क्यों नहीं कर लेती ये काम? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बहू पर हाथ उठाऊं तो कुछ अच्छा नहीं लगता। लड़की जात है ना, इसीलिए चुपचाप बैठा हुआ हूं। मगर तुम तो औरत हो, औरत औरत पर डंडे बरसाए तो ना तो समाज छूट कहेगा ना ही कानून कहेगा। ठीक है ठीक है, तुम यहाँ चूड़ियां पहने बैठे रहो, उसका दिमाग तो मैं ठिकाने पर लगाती हूँ। क्या समझती है हम लोगों को? माँ जी, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। डंडेबाजी तो होती रहेगी, पहले बैठकर सुकून से खाना तो खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी खाना। आप खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल नहीं। और आप पिताजी? ये भी नहीं खाएंगे।
मैं आपसे पूछ रही हूँ पिताजी। ये नहीं खाएंगे, मैंने कह दिया ना, इस घर का कोई भी आदमी तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगा, समझी? वाह, जिस घर के बड़े बूढ़े अनाज को ठोकर मारते हो, उस घर के बच्चों को सुख कहां से नसीब होगा? ये वो अनाज है जिसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, नहीं मिलता तो चोरी करता है, डाके तक डालता है सिर्फ इसके लिए। यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और आज तुमने भगवान की इस दौलत को ठोकर मारी। ये ठोकर एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मां, बहुत महंगी। आप रहने दीजिए, मैं साफ करती हूं। छोड़िए ना, मैं उठाती हूँ। ठहरो, अरे शर्म करो, शर्म करो। मेरे बाप ने नहीं खाया, मेरी माँ ने नहीं खाया, यहाँ तक कि मैंने नहीं खाया, और तुम होके जो भूखे भिखारी की तरह गपागप गपागप खाए जा रहे हो। भोजन खाए तो मुझे क्या करना है, उन्होंने तो बहु हड़ताल कर रखी है। बहु हड़ताल? हाँ, जैसे फैक्ट्री में मजदूर पगार के लिए हड़ताल करते हैं, पब्लिक पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हड़ताल करती है, वैसे तुम्हारे माँ बाप ने अपने बहू के खिलाफ हड़ताल की है। मैंने थोड़ी की है, मैंने तो उस खाने के लिए अपने माँ बाप से हड़ताल की, तुम्हारे घर में चलाया। इस खाने के लिए मैं तुम्हारे माँ बाप की जूतियाँ खाता हूँ तो क्या नहीं खाऊंगा? मैं तो खाऊंगा, एक बार बोलूं। शराफत से चुपके से आके तुम भी खाना खा लो, बहुत मजेदार खाना है। बोलो, खाती हो? हाय हाय, बड़ा बेशरम आदमी है। अरे क्या करती हो, बुढ़ा आदमी अपने बाप को बेशरम बोलती हो? अरे मैं तुमको कह रही हूँ, तुमको वो चले, वो तो मैं रोज सुनता हूँ। अभी भी चांस है, खा लो, बहुत टेस्टी खाना, कसम से बोलता हूँ, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। अरे जाओ, मैं तुम्हारी तरह खाने के लिए मरती नहीं हूँ, और ऊपर से वो डायन के हाथ का बना हुआ खाना मैं जिंदगी भर तक ना खाऊं। मत खाओ, जाओ जन्म में। क्या कहा? नहीं नहीं, मन में कुछ ख्यालात की डकार थी ना, तो निकल गई। तो ठीक है, बबलू कहाँ है? कौन बबलू? अरे बेशरम, तुम्हारा बेटा। मेरा कौन सा बेटा? हाँ, अपना बबलू। वो और कहाँ होगा, अपने मामा मम्मी के साथ होगा। अच्छा, क्या मुसीबत है यार। आओ खाना खाने, अभी थोड़ा ही बचा, उसमें तुम कहाँ से खाओगे, मैं अकेले खा लेता हूँ, तुम जाओ। डालें। अरे आप भाई, जहां आप जैसे फूल हो वहां हम तो पहुंचेंगे ना। ओ कम ऑन प्रिंस, इनसे मिलिए। ये है मेरे मंगेतर मिस्टर विजय, और विजय ये है हमारे दोस्त पाल घाट के शहजादे। हाउ डू यू डू मिस्टर विजय। वैसे आप आए कैसे? कमाल करती हो भाई, सुबह तुमने हमें फोन किया कि रात को तुम होटल पहुंच रही हो, बस तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पे आंखें बिछाए हम बैठे रहे कि कब ये तुम्हारा हसीन चेहरा नजर आए, मगर नहीं, तुम नहीं आई, इसलिए हम खुद यहाँ चले आए। जाने मन आई एम सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। ऑब्वियसली आपने तो अपना मंगेतर ढूंढ लिया, इसलिए हमें तो भूल ही जाएंगी ना। नहीं नहीं राजकुमार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या ख्याल है, चले? एक मिनट विजय डार्लिंग, मैं इनके साथ जा रही हूँ, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, तुम खाना खाकर सो जाना। ओके बाय मिस्टर विजय, नाइस टू सी यू, गुड नाइट।
शोर मचा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक ही हो रहा है। हाँ ठीक हो रहा है, कंचन इस घर की बेटी है, उसका भी इस घर में बराबर का हक है। फिर तुम्हारी पत्नी को क्या हक होता है उसको मेहमान कहने का? है? बात तो सीमा ने बिल्कुल ठीक कही है पिताजी, उसूलन जीजा जी और दीदी तो इस घर के मेहमान है ना। बिल्कुल नहीं, कंचन मेरी धन दौलत घर बार और जायदाद की बराबर की हिस्सेदार है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो दीदी को इस घर का सदस्य बनकर रहना होगा और घर के तमाम कामकाज में हाथ बटाना होगा, और जो काम वो जीजा जी से करवाती है ना वो उन्हें खुद करना होगा। क्या तुम्हारा कहने का मतलब कि मैं काम करूं और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? जी नहीं कंचन दीदी, आज से बजरंगी भैया वो काम करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आज से घर का काम औरतें करेंगी और बाहर का काम मर्द करेंगे। चलिए जीजा जी जल्दी से तैयार हो जाइए, आज मैं आपको अपने ऑफिस ले जाकर अपने सेठ जी से मिलवाता हूं और आपकी नौकरी की बात पक्की करता हूं। मेरी नौकरी? जी आपकी। अरे वाह, मैं 15 साल में पहली मरतबा बावर्ची खाने से निकल के बाहर की दुनिया में जा रहा हूं। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाइए, गेट रेडी इन 2 मिनट्स। चलिए चलिए, कब? 2 मिनट कितना होता है मेरे को मालूम नहीं। चलिए ना जीजा जी। मुझे एक कप चाय मिलेगी? 1 घंटा पहले ही तो पी थी। उस 1 घंटे को गुजरे हुए 5 घंटे हो गए। क्या? ठीक है ठीक है। देखी देखी इस बरसात की कारस्तानी, ये इस घर पे कब्जा करके हम सबको यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। धीरज रखो मालकिन, 10 लाख आने दो, मैं इसकी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। पिताजी मेरा हिस्सा ना भूलिएगा, 2 लाख रुपए। हाँ हाँ हाँ, ये देखो। चल चल नौजवान, चलिए साले साहब मैं तैयार हूँ। आया जीजा जी, चलिए कम ऑन। ये क्या है? कपड़े हैं, और क्या है? इन कपड़ों में तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं क्या करूं, मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। एक आपके जो मेरे छोटे पड़ते हैं, इनके बाप के जो मेरे को बड़े पड़ते हैं। और जूते? जूते खाली खाए, कभी पहने नहीं। चलो चलो मैं दिलाता हूँ जूते। अरे दोनों दिलाता हूँ। मैं आता हूँ, जाना नहीं। बाय बाय। माँ, ए माँ, क्या हुआ बेटी? तब कहीं जाके वो सीधी होगी चुड़ैल। जोर से चिल्ला। ओ माँ, मर गई माँ। और जोर से चिल्ला। मैं जल गई माँ, इसने जला दिया मुझे। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ जी, पानी अगर ज्यादा गर्म हो तो उसमें ठंडा पानी मिला लेना चाहिए और इस तरह उसे देख लेना। भी एक बार किसी बेचारी का हाथ इसी तरह उबलते पानी में डाल दिया था, तब उसे भी इतना ही दर्द हुआ होगा।
क्यों? जाने भी दे माँ। मुँह काला हो उस कलमुई का। हाँ। कीड़े पड़े उसके मुँह में। हाँ। वो अंधी हो जाए, लूली हो जाए, लंगड़ी हो जाए। हाँ। चला दिया मेरा। कंचन, दुर्गा, कहाँ गए तुम लोग? अरे ये क्या कर दिया? अरे अमर की लाली ने मेरा हाथ जला दिया। डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कोई बात नहीं। क्या? खुशखबरी, हमारा विजय सोना को पसंद आ गया। मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा कर तेरा। आप भी मुंह मीठा करिए और मैं भी। यहाँ तो पहले से ही मिठाई बढ़ रही है। जीजा जी, हर काम में लेट क्यों हो जाते हैं? मेरी ये मिठाई इनको हजम नहीं होने वाली है। बजेंगी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मतलब ये मिठाई है तो ये क्या है? अरे बजरंगी भैया, ये क्या कर डाला इतने बड़े होके? नहीं नहीं, ये वो नहीं जो तू समझ रहा है। तो फिर क्या है? मैंने वो रसगुल्ले लिया था ना थैली में, वो थैली मैंने जेब में रखा, लगता है थैली फट गई है। अरे रे रे। ओ माँ, ये रसगुल्ले की थैली फट गई, ये वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। तू क्या समझ रहा था? मैं समझा था कर डाला। क्या बात करता है इतनी उम्र में? वो तो बचपन में करता था, अभी 6 महीने छोड़ दिया। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में लाए हो? आज नौकरी का पहला दिन है तो तुम लोग का मुंह मीठा करने वास्ते मिठाई लेकर आया हूँ भाई। अच्छा तो लाओ, पगार के पैसे लाओ। पगार के पैसे? आज नौकरी का पहला दिन है, पगार के पैसे भी निकालूं? अरे ये मिठाई मैं झोंकू मल हलवाई के यहाँ से उधार लेकर आया हूँ। ठीक है लाओ, यही लाओ। ये मिठाई खाने से पहले आप ये तो बताइए कि आपका फैसला क्या है। कैसा फैसला? यही कि अभी तो आपके पति कमाने लगे हैं, है ना? तो क्या आप अपनी ससुराल वापस जाएंगी या फिर एक नया मकान खरीदकर अपने पति के साथ वहां रहेंगी? और अगर यही रहेंगी तो फिर मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। देखो बहू, मैं बाद में देखूंगी, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप दिन भर औरतों के बीच पड़े उनकी काना फूसी में साथ देते रहते हैं। आज से आप बाजार जाएंगे, भाजी तरकारी राशन लाना आज से आपका जिम्मा। नालायक, उस दिन तू खड़ा खड़ा अपनी बीवी की बेहुदा बकवास को सुन रहा है और उससे कुछ नहीं कहता। अरे भगवान तुझ जैसी नालायक औलाद किसी को ना दे। पिताजी, अब लायक है या नालायक है, जो भी है, यही आपका इकलौता बेटा है और यही आपकी इकलौती बहू है। और वो जो आपका बड़ा बेटा था, मेरा मतलब विजय, वो तो आपने बेच डाला। बेच नहीं डाला, एक बहुत बड़े इज्जतदार घराने में शादी कर रहा हूँ। तेरी तरह ऐसी बेहुदा लड़की के गले में नहीं बांध रहा उसे। अरे ये रो क्यों रहे हैं? जीजा जी, अरे जीजा जी आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बताओ तो सही। अच्छा क्या कहा इन्होंने? वो क्या है कि ये कह रहे हैं कि इन्हें विजय भैया की पहली बीवी यानी हमारी भाभी और उनकी बच्ची की बहुत याद आ गई। इन लोगों ने उन पर बहुत जुल्म किया और बड़ी बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। क्या? हाँ। चुप हो जा बजरंगी। वो दोनों मर चुके हैं? हाँ। इसका मतलब है विजय भैया ऑलरेडी शादीशुदा है? हाँ। अच्छा तो ये बात है, तो चलो अभी इसी वक्त ये सारी बातें विजय भैया के ससुराल वालों को बता देते हैं, वरना वो बेचारे खामखा विजय भैया को कुंवारा समझकर धोखा न खा जाए। चलो 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 माँ, अब क्या होगा? चलो चलो चलो, बाहर जाके मना लेते हैं। अरे रुक जा बेटी, मेरी बात तो सुन। तू तो मेरी बेटी कैसी है ना? हाँ, तभी तो मैं द्वारका जी को खबर करने जा रही हूँ। क्यों जी? हाँ जी। अरे ना बेटी ना, इससे तेरा क्या भला होगा? घर का लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मेरा मतलब है लाखों की परवाह कौन करता है? विजय की जिंदगी फिर से बच जाएगी, आखिर वो तेरा जेठ है ना। अभी जाने भी दो, घर की इज्जत का सवाल है। ठीक है, आप सब कहते हैं तो मैं द्वारका जी को खबर नहीं करती, मगर एक शर्त पर। शर्त? आप सब लोगों को आज से घर का सारा काम करना पड़ेगा। करेंगे। बर्तन मांजने पड़ेंगे, मांजेंगे। खाना बनाना पड़ेगा, बनाएंगे। झाड़ू मारना पड़ेगा, मारेंगे। कपड़े धोने पड़ेंगे।
बुरे का बदला बुरा मिलेगा, मूर्ख है किस ध्यान में। बाप पति की कह गई कृष्णा, मामा कंस के कान में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुम नन तुम नन तुम 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 tum 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 tum
अरे ओ नादानो प्यार को पहचानो, धन की लालच छोड़ो के सबसे दिल जोड़ो। अरे ओ नादानो प्यार को पहचानो, धन की लालच छोड़ो के सबसे दिल जोड़ो। अरे इसी आंगन में तुमको जन्नत देगी दिखाई, माँ मेरे सारा काम करे और बीवी ले अंगड़ाई। जनवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, सासू सारा काम करे बहू रानी खाए मलाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, बीवी ले अंगड़ाई। तुम मन तुम मन तुम तुम तुम, तुम मन तुम मन तुम तुम तुम, तुम मन तुम मन तुम तुम तुम, तुम मन तुम मन तुम तुम तुम। तारे नैना रसीले कटीले। क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे सोना सुहागे से नहा कराया है, मैला कपड़ा लॉन्ड्री में धुल कराया है। देखो जी मजाक मत किया करो। हाँ। कसम से कह रहा हूँ, बस आज बहुत चमक रही हो तुम। खाक चमक रही हूँ, इतनी थक गई हूँ कि सारा शरीर दुख रहा है। तो लाओ ना, मैं प्यार से हाथ पांव इसे दबाऊंगा कि ये दर्द है ना एक मिनट में काफूर हो जाएगा। एक बात कहूँ? अरे एक नहीं लाख पूछो, आज नहीं मैं पहली मतलब प्यार से मुस्कुरा के पूछ रही हूँ। आज है ना तुम हो ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। सच? ये तो क्या पलट गई यार, मैं तो समझा था कि मैं बीवी की चप्पल की तरह जिंदा रहूंगा और सास के सैंडल की तरह मर जाऊंगा, मैं तो डिजाइन ही चेंज हो गया। क्या है? आज तो कमाल हो गया। हाँ तो मैंने किया है, तुम अपनी बड़ाई क्या को मार रहे हो, बैठे रहो ना फोटो के अंदर, काम धंधा नहीं है क्या? बैठता हूँ ना, भड़कता क्यों है? बीवी इस पे भड़कती थी, आज से मुझ पर भड़क रहा है, खबरदार जो भड़का तो। हाँ। कमाल आदमी यार, ये मेरा बाप भी। उफ। लगता है बहुत थक गई हो। हाँ डार्लिंग, मैं बहुत थक गई हूँ। विजय तुम्हें मालूम है आज मैं उस प्रिंस के साथ टेनिस खेलकर आ रही हूँ। वाह क्या खूबसूरत नौजवान है, मजा आ गया उसके साथ खेलने में। डार्लिंग प्लीज जरा मेरे ये जूते उतार दो प्लीज। मोजे कौन उतारेगा, तुम्हारा बाप? अरे काम से उतार जा रही है, मोजे कौन, तेरा बाप उतारेगा है? ये क्या, तुम तो बुरा मान गए, मैंने तो यूं ही मजाक किया था। हे कम ऑन डार्लिंग। सोना मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, तुम्हारा नौकर नहीं। अरे मैंने कब कहा कि तुम नौकर हो, तुम्हें यहाँ इसलिए रखा गया है कि अगर तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और अब तुम्हें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है विजय। ओह रियली? यस डैडी। ओह अरे सोना बेटे, तुम नहीं जानती तुम्हारे फैसला सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। मुबारक हो बेटे, कांग्रेचुलेशंस। इनकी वफादारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैंने तो सुना था दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार जानवर ये कुत्ता होता है, लेकिन मिस्टर विजय तो मेरे इस कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। हाँ सुना विजय, मेरी बेटी को तुम उसके कुत्ते से भी ज्यादा वफादार और पसंदीदा लगने लगे हो, भाई वाह 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 वाह, इससे ज्यादा इज्जत और वफादारी की बात भला क्या हो सकती है। ये खुशखबरी मैं तुम्हारे पिताजी को सुना के आता हूँ। ठहरिए सर जी, आप पिताजी को ये जरूर बता दीजिए कि आपकी बेटी को विजय पसंद आ गया, लेकिन साथ में ये भी बता दीजिए कि विजय को सोना पसंद नहीं आई। क्या? हाँ सेठ जी,
आपकी बेटी को पति नहीं बल्कि कुत्ता चाहिए जो इनके आगे पीछे दुम हिलाता फिरता रहे। आज मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तानी औरत क्या होती है। उनकी आंखों में पति की इज्जत और उनकी मान मर्यादा की कदर होती है, लेकिन वो तो पति ऐसे होते हैं जिनको अपनी पत्नी की कदर ही नहीं होती। सेठ जी, आपकी बेटी मॉडर्न सोसाइटी की वो लड़की है जिसका हर रोज लड़कों के साथ घूमना फिरना एक फैशन सा हो गया है। जिस तरह लोग हर रोज कपड़े बदलते हैं, उसी तरह ये लड़के बदलती है। सेठ जी, बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं की पसंद का कोई कुत्ता ढूंढ लीजिए। नमस्ते। बेटे, अब क्या होगा? डैडी, घबराइए मत। अगले हफ्ते मैंने एक लड़के को बुलाया है, हम लोग उसका टेस्ट ले लेंगे। बाय। भैया, माँ, बाबूजी, देखो भैया आ गए। विजय बेटे, अच्छा हुआ तू आ गया। देखो उस जालिम औरत ने हमारी जिंदगी नरक बना डाली है। देख। विजय, क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों हो? शादी की बात पक्की हो गई ना? नहीं। क्या द्वारका प्रसाद की बेटी ने तुम्हें नापसंद कर दिया क्या? जी नहीं, मैंने उसे नापसंद कर दिया। क्या? हाँ, मैंने उसे नापसंद कर दिया। उस पैसे वाली लड़की के घर में रहकर मुझे यह एहसास हुआ कि जिसे मैं सोना समझकर हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो सोना नहीं बल्कि मिट्टी था, और जिसे मैंने मिट्टी समझ के ठुकरा दिया था वही सोना था। शारदा की अच्छाइयां एक एक करके मेरे सामने आती रही, उसकी यादें मेरे दिल में भाले की तरह चुभने लगी। मैं अपने आप से नफरत करने लगा। प्रायश्चित की आग में जलकर मंदिर जा पहुंचा। भगवान, मैं माफी के लायक नहीं हूं, मुझे ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे कि दुनिया का हर जालिम पति इस सजा से सबक ले। हाँ भगवान। पिंकी, 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 शारदा, शारदा, पिंकी, 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। शारदा, वही मंदिर में मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची लौटा दी। लौटा दी? हाँ, ये रहे दोनों। फिरो शारदा, ऐसे लोगों के पांव छूना भी पाप है। इनको सम्मान देकर क्यों अपने धर्म को गाली दे रही हो? शारदा, अगर तुम्हें किसी के पांव छूने तो जा जाकर अमर के पांव छुओ, उसकी पत्नी के पांव छुओ। अरे इनके लिए तो तुम मर चुकी हो, मैं भी बिक चुका हूं। इनसे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। मैं तो सिर्फ इन्हें इनकी असली सूरत दिखाकर हमेशा के लिए विदा लेने आया हूं। पिताजी, मां, हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। चलो शारदा, चलो। चलिए विजय बाबू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज आपने हिम्मत की तो मेरी भी मरी हुई हिम्मत जिंदा हो गई। मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने मुझ गरीब किस घर में रखा, खाने को रोटी दी, पहनने को कपड़ा दिया, आपका एहसान मैं मरते तुम तक भूल नहीं सकता। क्या करूं बाबूजी, ये घर जमाई की जिंदगी अब जी नहीं जाती। ऐसे समझ लेना कोई भिखारी आया था, आपकी दहलीज चाट के चला गया। चलता हूं मैं। पापा। हाँ बेटा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू भी चलेगा? अरे तू
तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं तो वही रहूंगी ना जो मेरे पति मेरा बेटा है। मैं अभी आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा जुल्म मत करो। हम गुनहगार हैं, पापी हैं। तुम लोग सब अपने हाथों से सजा दे दो, चाहे तो हमें मार लो, मगर इस बुढ़ापे में हमें छोड़कर मर जाओ, मर जाओ। अमर बेटा, अमर बेटी, ये सब लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, इन्हें रोक लो बेटा, रोक लो। घर तो मैं भी छोड़कर जा रहा हूँ माँ। एक ही दिन में मेरे सब बच्चे मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरी हर औलाद मुझे छोड़कर चली जाएगी। औलाद, ये आज अचानक कैसे एहसास हुआ कि हम तुम्हारी औलाद हैं? और औलाद के लिए तुम्हारे दिल में प्यार भी है। तुम्हें तो हमेशा पैसे से प्यार रहा है मां, पैसे के लिए तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरी बेजुबान भाभी के साथ सारी जिंदगी जानवर जैसा बर्ताव किया। विजय भैया को तुम हमेशा भड़काती रही कि वह उन्हें छोड़कर किसी अमीर बाप की बेटी को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। भले उस पत्नी में चरित्र हो ना हो, मगर नोट और सेवा जरूर हो। भाभी की मां के कातिल भी तुम लोग हो मां, तुम लोग। उस बुढ़िया ने तुम्हारी वजह से इस दरवाजे पर भिखारी की तरह दम तोड़ दिया। तुम जैसे माएं होती हैं जो बहुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बहुओं का सुख तुम जैसे माओं के हाथों बर्बाद है मां, तुम जैसे। तुम्हें तो हमेशा पैसे से प्यार रहा है मां, पैसे के लिए तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरी बेजुबान भाभी के साथ सारी जिंदगी जानवर जैसा बर्ताव किया। भाभी की मां के कातिल भी तुम लोग हो मां, तुम लोग। तुम जैसे माएं होती हैं जो बहुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बहुओं का सुख तुम जैसे माओं के हाथों बर्बाद है मां, तुम जैसे। तुम जैसे मां, तुम जैसे। दुर्गा, रो मत दुर्गा, रो मत। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, इसका पश्चाताप तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं, और इसका एक ही रास्ता है। दुर्गा, 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 होश में आओ, दुर्गा, दुर्गा, दरवाजा खोलो, दुर्गा, नहीं खोलोगे, दरवाजा खोलो, दुर्गा तुझे मेरी कसम, दुर्गा, दुर्गा दरवाजा खोल दे, दुर्गा, ये दरवाजा खोलो, दुर्गा, ये क्या पागलपन है? मर जाने दो मुझे, मैं जिंदा रहने के लायक
नहीं मां, मां क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें? बेटी मुझे माफ कर दे। मां जी ये आप क्या कर रही हैं? आपके चरण धोकर पीना तो मेरा धर्म है और आप मेरे पांव को हाथ लगा रही हैं? नहीं मां नहीं। बेटी इन सब से कहते कि मुझे माफ कर दे, कहते बेटी कहते। विजय भैया थूक दो गुस्सा और चलो अंदर। अरे बड़ी मुश्किल से तो घर सुधरा है, मां सुधरी है, पिताजी सुधरे हैं, तुम सुधरे हो। चलो चलो ना, चलो और मां के पैर छू लो, चलो। बेटे 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 अमर बेटे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, चलो बेटे घर चलो, मेरे अच्छे बच्चों घर चलो, चलो। डैडी, डैडी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। वेरी गुड। ये मेरे आप तो इस शहर के मशहूर रईस सेठ करमचंद जी हैं, है ना? हाँ, मैं करमचंद हूँ। मतलब ये कि आपकी बेटी हमारी बहू? ये मेरी बेटी है ये ठीक है, मगर आपकी बहू है ये गलत है। जी जी, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी इस शहर की बहुत बड़ी समाज सेविका है। अच्छा। इसलिए शारदा बिटिया को उसका खोया हुआ अधिकार और आप लोगों को अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए ये नाटक रचाया गया था। अच्छा। अब इसका रोल खत्म हो गया है, इसलिए मैं इसको लेने यहाँ गया। क्यों बेटी, ठीक है ना? चलो बेटी, देर हो रही है, आओ बैठो। पिताजी मैं अभी आती हूँ। आइए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहाँ गए ये लोग? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? जब मेरे डैडी ने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं समझा नहीं। क्या तुम्हारा हक नहीं था मुझे रोकने का? हक? मेरा क्या हक बनता आप पर जो मैं आपको रोकूं? तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं, तुम्हारे कदमों पर गिरकर कहूं कि मैं तुमसे? तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूं। डंडा? इस डंडे से आप क्या करेंगी? देखो देखो, ये दादा के लिए चल के बोल देता हूं मैं। अरे बाप रे, मर गया। अरे सीमा देखो, मेरे हाथ भी चले हुए। सीमा ये क्या हो रहा है बजरंगी? यही सवाल मुझे सामने वाले पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है बजरंगी? सामने वाले? ये वो मेरी जरा खास पब्लिक है। एक मिनट, जरा मैं भी आता हूँ, एक मिनट। अब इनको मैं कैसे बताऊं कि मेरे खास पब्लिक कौन है? ये क्या है कि रामायण तो खत्म हो गई, अब महाभारत चालू हो गई। Ha ha ha!
I love you. क्या कहा तुमने? I love you. तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? I love you. 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 कौन है? मैं हूं तेरा बाप. तुम फिर आ गए? क्या मुसीबत है यार? क्या दूसरे के कमरे में झांकते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? झांक नहीं रहा हूं, बल्कि देख रहा हूं कि फिर से झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं. अच्छा सुन, मेरे जाने के बाद मैंने जो जो बातें तुझे सिखाई हैं सब पब्लिक को बता देना. मगर तुम जाओ तो सही. ले मैं चला. ये तो सच में गायब हो गए. भाई लोग, मेरे बाप ने है ना एक बहुत अच्छी नसीहत की है, मेरे लिए भी अच्छी है और आप लोगों के लिए भी अच्छी है, कि जिंदगी में कभी इज्जत मत खोना, इसलिए घर जमाई मत बनना. जब मैं भले ना हो पैसा, मगर घर हो तो ऐसा है. तभी जाओ, फिर आना. आना कम अगेन.